नेटवर्क सिंथेसिस के पिछले दो लेक्चर्स में हमने सीखा कि कोई भी दिया गया पॉलिनोमियल हर्ट्ज पॉलिनोमियल है या नहीं, इसे कैसे चेक करते हैं, और कोई भी दिया गया नेटवर्क फंक्शन पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं, इसको कैसे चेक किया जाता है। इस लेक्चर में हम लोग नेटवर्क का सिंथेसिस करेंगे, नेटवर्क का सिंथेसिस करने के लिए सीखेंगे। सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस एक मेथड है, एक प्रोसेस है नेटवर्क को डिजाइन करने का। आपको एक ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन या ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस फंक्शन आपको दिया रहेगा, और इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको नेटवर्क डिजाइन करना है कि आखिर वो किस नेटवर्क का ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन या ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन ये जो दिया हुआ है वो है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग सिंथेसिस करना कहते हैं, इस प्रोसेस को ही सिंथेसिस कहते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ वन पोर्ट नेटवर्क के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए हम लोग सिर्फ वन पोर्ट नेटवर्क का ही सिंथेसिस करने के लिए सीखेंगे। किसी भी दिए गए ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कई सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं। कोई भी आपको ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन या एडमिटेंस फंक्शन दिया हुआ है, तो इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग नेटवर्क आपको कई सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं। उनमें से जो मेन हैं वो चार प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनली फोर बेसिक फॉर्म्स ऑफ सिंथेसाइजिंग ए वन पोर्ट नेटवर्क। वन पोर्ट नेटवर्क को सिंथेसाइज करने के लिए चार बेसिक फॉर्म्स हैं। उसमें से पहला है, इस फॉर्म को कहते हैं, पहला फॉर्म जो है उसको कहते हैं फोस्टर वन फॉर्म, फोस्टर वन फॉर्म, या इसे फोस्टर सीरीज फॉर्म भी कहते हैं। इस नेटवर्क में क्या है, जो भी नेटवर्क के एलिमेंट्स हैं, नेटवर्क के एलिमेंट्स यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, तो जो भी नेटवर्क के एलिमेंट्स हैं ये सभी आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। फोस्टर वन फॉर्म जो होता है, जिसे फोस्टर सीरीज फॉर्म भी कहते हैं, उसमें सारे नेटवर्क एलिमेंट्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। जो पहला एलिमेंट है उसको जेड वन कहते हैं, दूसरा एलिमेंट जेड टू कहते हैं उसको, और इसी प्रकार से और भी कई बीच में कई सारे आपको एलिमेंट्स हो सकते हैं, और उसके बाद लास्ट एलिमेंट को हम लोग एंथ एलिमेंट कह रहे हैं। और ये सभी एलिमेंट्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, और जिनका कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस आपको जेड एस होता है। तो इस फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं फोस्टर वन और फोस्टर सीरीज फॉर्म, यानी कि जेड एस इज इक्वल टू होता है, अगर इसका इक्विवेलेंट निकाला जाए तो जेड एस इज इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस, इस प्रकार से जो भी एलिमेंट्स हैं सभी का सम ये आपको जेड एस होता है। दूसरा फॉर्मेट है, उसे कहते हैं फोस्टर टू और फोस्टर पैरेलल फॉर्म, फोस्टर टू और फोस्टर पैरेलल फॉर्म कहते हैं। यह एक पैरेलल नेटवर्क है, जैसा कि हमने देखा कि फोस्टर वन नेटवर्क जो था वो सीरीज नेटवर्क था, उसी प्रकार से फोस्टर टू भी एक नेटवर्क का फॉर्म है। इसको इसमें सारे नेटवर्क्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। पहला एलिमेंट को बाई वन लिखते हैं, दूसरे एलिमेंट को बाय टू लिखते हैं, इस प्रकार से बीच में आपको और भी नेटवर्क्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, और जो लास्ट एलिमेंट है उसको बाय एन लिखते हैं। और हम लिख सकते हैं बाय एस इज इक्वल टू बाय वन प्लस बाय टू प्लस, इस प्रकार से जो भी एलिमेंट्स बीच में होंगे सभी का सम आपको बाय एस के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में एडमिटेंस आपस में जुड़ जाते हैं, वही आपका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता है। यानी कि सारे इम्पीडेंस को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें बाई एस मिलेगा। और जो हमने पिछला देखा था फोस्टर वन, उसमें सारे एलिमेंट्स आपको सीरीज में कनेक्टेड थे, तो इम्पीडेंस को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट है वो इनको सीरीज एलिमेंट को समेशन से मिलता है, सम करने से मिलता है, तो ये आपको इम्पीडेंस मिलता है। इम्पीडेंस निकालने के लिए आपको सभी को सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं तो ऐड करना होता है, और अगर एडमिटेंस है तो वो पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे तो ऐड होते हैं। तो ये दो फॉर्म हुए। तीसरा फॉर्म है, उसका नाम है कोवर वन फॉर्म, और चौथा जो फॉर्म है उसका नाम है कोवर टू फॉर्म। कोवर वन फॉर्म और कोवर टू फॉर्म ये दोनों सेम फॉर्म हो सकते हैं, सेम टाइप के हैं। इन फॉर्म्स को कहते हैं लैडर नेटवर्क, एल ए डबल डी ई आर, लैडर नेटवर्क।
लैडर कहने का मतलब होता है, लैडर का हिंदी में अर्थ होता है सीढ़ी, यानी कि ये इसमें स्टेप बाय स्टेप हैं एलिमेंट्स। एक एलिमेंट आपका सीरीज में कनेक्टेड है, दूसरा एलिमेंट आपको पैरेलल में कनेक्टेड है, फिर तीसरा एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है, चौथा एलिमेंट आपको पैरेलल में कनेक्टेड है, पांचवा एलिमेंट आपको फिर सीरीज में कनेक्टेड है। इस प्रकार से ये कंटिन्यू रहते हैं। जो पहला एलिमेंट है उसको सिंबल वन लगा कर सूचित किया गया है, दूसरा एलिमेंट को सिंबल दो लगा कर सूचित किया गया है, तीसरा एलिमेंट को तीन से, चौथा एलिमेंट को चार से, पाँच से, और इस प्रकार से किया गया है। जो सीरीज में कनेक्टेड है उसको जेड वन से सूचित किया गया है, और जो पैरेलल में कनेक्टेड है उसको बाई से सूचित किया गया है। और इनका इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं जेड एस इजकल टू, इस टाइप से लिखा जाता है, जेड एस इजकल टू, पहला एलिमेंट लिखिए जेड वन प्लस, जो ये पैरेलल में जो एलिमेंट है तो चूंकि ये एडमिटेंस है इसलिए इसको वन वटा बाई टू लिखेंगे, इसको वन वटा बाई टू। उसके बाद फिर ये हमारा जेड थ्री जो है तो प्लस, चूंकि ये एडमिटेंस है और ये फिर इम्पिडेंस है तो इसको लिखा जाता है वन वटा जेड थ्री। फिर अगला जो एलिमेंट है इसको फिर लिखा जाता है वन बाई जेड फोर। इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलता रहता है एंथ लास्ट एलिमेंट तक। तो यह है आपका कोवर वन भी इस फॉर्म में हो सकता है, कोवर टू भी इस फॉर्मेट में हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसका इक्विवेलेंट इम्पिडेंस जेड एस निकालते हैं। और कोवर टू और कोवर वन का एक और फॉर्मेट हो सकता है, उसमें पहला एलिमेंट नहीं है आपका, जैसे कि जो पिछला हमने देखा नेटवर्क उसमें आपको यहाँ पे एक एलिमेंट कनेक्टेड था जेड वन, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको एलिमेंट नहीं हो, तो आपको उस केस में आपको पहला एलिमेंट ये वाला होगा जो पैरेलल में कनेक्टेड है बाई वन, दूसरा एलिमेंट आपको हो जाएगा बाई टू, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा जेड टू, तीसरा एलिमेंट हो जाएगा बाई थ्री, चौथा एलिमेंट हो जाएगा जेड फोर। जो सीरीज में कनेक्टेड हैं उनको जेड से सूचित किए हैं, जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं उनको बाई से सूचित किए हैं, जो पहला एलिमेंट है उसको हमने सिंबल सफिक्स वन लगाए हैं, जो दूसरा एलिमेंट है उसमें दो लगाए हैं, तीसरा एलिमेंट में तीन लगाए हैं, इस प्रकार से लगाया गया है। चूंकि ये लैडर के फॉर्म के हैं, स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए इसको लैडर नेटवर्क कहते हैं कि एक के बाद एक कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इनका जो इक्विवेलेंट निकालते हैं उसी टाइप से निकालते हैं कि बाई एस इजकल टू, अगर ये ओवरऑल एडमिटेंस है बाई एस तो पहले ये बाई वन प्लस, अगला जो एलिमेंट है उसको वन वटा करके लिखेंगे क्योंकि ये इम्पिडेंस है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा जो एलिमेंट है इसको भी वन वटा बाई थ्री लिखेंगे, और फिर चौथा एलिमेंट जो है वो हो जाएगा आपको वन वाई जेड फोर। इस प्रकार से लास्ट एलिमेंट तक हम लोग इसको इक्विवेलेंट के रूप में लिखते हैं। फोस्टर वन इज ए सीरीज नेटवर्क, जैसे कि हमने अभी बताया और आपने देखा नेटवर्क जो था फोस्टर वन का जो नेटवर्क था वो एक सीरीज नेटवर्क था, वाइल फोस्टर टू इज ए पैरेलल नेटवर्क। फोस्टर टू जो है वो पैरेलल नेटवर्क है और फोस्टर वन जो है वो एक सीरीज नेटवर्क है। फोस्टर वन एंड फोस्टर टू फॉर्म्स आर ऑब्टेन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ जेड एस एंड बाई एस रिस्पेक्टिवली। फोस्टर वन फॉर्म जो हम लोग बनाते हैं वो जेड एस के यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, यानी कि फोस्टर वन फॉर्म जो है वो जेड एस का यूज करके बनाते हैं और फोस्टर टू फॉर्म उसको बाई एस में कन्वर्ट करके बनाते हैं। फोस्टर वन फॉर्म और फोस्टर टू फॉर्म दोनों जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि जो आपको ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस या एडमिटेंस दिया हुआ है उसे हम लोग पहले पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। उस पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग फोस्टर वन एंड फोस्टर टू फॉर्म को बनाते हैं, आगे आप समझेंगे। और कोवर वन एंड कोवर टू आर लैडर नेटवर्क, कोवर वन और कोवर टू जो है वो एक लैडर नेटवर्क है। प्रत्येक नेटवर्क इसमें प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। कोवर वन एंड कोवर टू फॉर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ इमिटेंस फंक्शन, यानी कि कोवर वन और कोवर टू फॉर्म जो है इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए, इस नेटवर्क को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। और यानी कि हम लोग डिवीजन लगाते हैं न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग लगाते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है उससे फिर भाग लगाते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है उससे भाग लगाते हैं। इस मेथड के द्वारा कोवर वन एंड कोवर टू फॉर्म्स प्राप्त किया जाता है।
बाय अरेंजिंग बोथ न्यूमरेटर न्यूमरेटर यानी कि एनएस और डिनोमिनेटर यानी डीएस इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, यानी कि कोर वन फॉर्मेट जो प्राप्त होता है वो आपको न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। कोर वन प्राप्त करने के लिए जो आपका पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि हाईएस्ट पावर वाले को पहले लिखते हैं प्लस उसके बाद आपको फिर उससे कम वाले पावर, फिर उसके बाद आपको उससे कम वाले पावर और इस टाइप से। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिखा है पावर को, और डिनोमिनेटर को भी इसी प्रकार से अरेंज करते हैं। सपोज दैट डिनोमिनेटर में है आपका 2s³ + 5s² + 6x + 7 सपोज दैट। तो कोर वन फॉर्म प्राप्त करने के लिए जो आपको दिया गया पॉलिनोम जो दिया गया आपका फंक्शन है उस फंक्शन के न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसके बाद फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग लगाते हैं। और जबकि कोवर टू फॉर्म को प्राप्त करने के लिए इसी पॉलिनोमियल को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि अगर यही पॉलिनोमियल है और अगर हमें कोवर टू फॉर्म प्राप्त करना है तो इसे हम लोग पहले इसको इस टाइप से अरेंज करेंगे, लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे 1 + 6s + 3s² + 2s³ + s⁴ और बटा में डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है 7 + 6s + 5s² + 2s³। तो कोर टू अगर प्राप्त करना है, कोर टू फॉर्म अगर प्राप्त करना है तो आपको जो पॉलिनोमियल्स हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और कोर वन प्राप्त करने के लिए आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है उसके दोनों पॉलिनोमियल को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और फिर इसको अरेंज करने के बाद आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग लगाना है, जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर भाग लगाना है। दोनों तरीके में कोर वन फॉर्म हो या कोर टू फॉर्म हो दोनों में आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करना है। अगर आपको कहीं पे नेगेटिव आता है बीच में कहीं पे क्वेश्चेंट अगर नेगेटिव आता है या रिमाइंडर नेगेटिव आता है उस केस में आपको इस पॉलिनोमियल को रिवर्स करके भाग लगाना होता है। अगर कोर वन अगर प्राप्त करना है तो जो आपका ये डिनोमिनेटर में जो है उसको न्यूमरेटर में करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में करेंगे और फिर उलट कर भाग लगाएंगे, वो आगे आप देखेंगे। पहले कि हम लोग नेटवर्क सिंथेसिस शुरू करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इम्पीडेंस का वैल्यू इम्पीडेंस का वैल्यू जिसको फिर जेड से डिनोट करते हैं, प्योर कैपेसिटेंस अगर है तो उस केस में आपको 1/SC होगा, अगर प्योर इंडक्टेंस है तो उस केस में S × L होता है, और प्योर रेजिस्टेंस है उस केस में R होगा। और एडमिटेंस का वैल्यू एडमिटेंस जिसे कि बाय से सूचित करते हैं, तो अगर प्योर कैपेसिटेंस है तो उस केस में एडमिटेंस SC और प्योर इंडक्टेंस के केस में 1/SL और प्योर रेजिस्टेंस के केस में एडमिटेंस का वैल्यू 1/R के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि इम्पीडेंस और एडमिटेंस एक दूसरे का उल्टा होता है, Z = 1/Y होता है। तो देख लीजिए आप कि यहाँ पे प्योर कैपेसिटेंस जब हो तो उस केस में इम्पीडेंस का वैल्यू 1/SC, लेकिन एडमिटेंस का वैल्यू उसका ठीक रिवर्स है SC। अगर प्योर इंडक्टेंस है उस केस में आपका इम्पीडेंस का वैल्यू S × L और एडमिटेंस का वैल्यू इसका जस्ट रिवर्स 1/SL, और प्योर रेजिस्टेंस के केस में इम्पीडेंस का वैल्यू R और एडमिटेंस का वैल्यू इसका जस्ट रिवर्स 1/R। अब हम लोग RC इम्पीडेंस फंक्शन का सिंथेसिस देखेंगे, और RC इम्पीडेंस फंक्शन
के सिंथेसिस करने के लिए आरसी इम्पीडेंस फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज आरएल एडमिटेंस नेटवर्क के लिए भी अप्लाई होता है। इसलिए जिस फंक्शन का हम लोग आरसी इम्पीडेंस सिंथेसिस करेंगे आरसी इम्पीडेंस, उस नेटवर्क का आरएल एडमिटेंस सिंथेसिस भी हो सकता है। फिलहाल हम अभी आरसी इम्पीडेंस नेटवर्क का सिंथेसिस करेंगे। तो द आरसी इम्पीडेंस और आरएल एडमिटेंस फंक्शन है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो आरसी इम्पीडेंस फंक्शन होंगे या आरएल एडमिटेंस फंक्शन होंगे उनके प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहला है कि द पोल्स एंड जीरोज लाइज ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस इंक्लूडिंग द ओरिजिन। कोई भी अगर आपको ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन है या ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन अगर है तो उसे एन एस बाई डी एस के फॉर्म में लिखते हैं, और एन एस को जब हम जीरो करते हैं तो हमें जीरोज मिलता है, और डी एस को जब जीरो करते हैं तो हमें पोल्स मिलता है। और इस पोल्स को अगर आप जे एस ट्वेंथ प्लॉट करेंगे तो आपको पोल जीरो प्लॉट जो आपका होगा तो वो जो भी पोल और जीरोज होंगे वो सभी आपको निगेटिव रियल एक्सिस पे होने चाहिए, यानी कि इस ओरिजिन के राइट साइड में इधर पॉजिटिव एक्सिस होगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस है ये, और लेफ्ट हैंड साइड में ये निगेटिव रियल एक्सिस है। तो जो भी पोल और जीरो होंगे वो आपको ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, राइट हैंड साइड में नहीं होने चाहिए। और ये रियल एक्सिस पे ही होने चाहिए, ये रियल एक्सिस के ऊपर नीचे भी नहीं होने चाहिए और ना ही इमेजिनरी एक्सिस पे होने चाहिए। जो भी पोल और जीरो होंगे वो आपको पोल जीरो जो भी होंगे इस फंक्शन के आरसी इम्पीडेंस फंक्शन के जो भी पोल और जीरो होंगे वो सब आपको निगेटिव रियल एक्सिस पे होंगे इंक्लूडिंग ओरिजिन, ओरिजिन इंक्लूड करते हुए ओरिजिन पे हो सकता है, राइट हैंड साइड में या इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं होगा। द पोल्स एंड जीरोज आर इंटरलेस्ड और अल्टरनेट अलोंग द नेगेटिव रियल एक्सिस, यानी कि जो पोल्स और जीरोज होंगे, जो पोल्स और जीरोज होंगे इस ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन के, जो पोल्स और जीरो होंगे वो इंटरलेस्ड होंगे। इंटरलेस्ड कहने का मतलब है कि अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट यानी कि एक पोल फिर जीरो फिर पोल फिर जीरो फिर पोल फिर जीरो, इस प्रकार से होने चाहिए। कोई भी दो वो पोल लगातार या दो जीरोज लगातार नहीं हो सकते हैं। अगर आरसी इम्पीडेंस फंक्शन होगा तो उस केस में पोल और जीरो नेगेटिव रियल एक्सिस पे होंगे और वो भी अल्टरनेट होंगे। तीसरा पॉइंट है द रेसिड्यूज ऑफ पोल्स और पोल्स ऑफ द आरसी इम्पीडेंस फंक्शन और आरएल एडमिटेंस फंक्शंस आर रियल एंड पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि आरसी इम्पीडेंस फंक्शन या आरएल एडमिटेंस फंक्शन का पोल्स का जो रेसिड्यू होगा, रेसिड्यू कहने का मतलब है कि इनका पार्शियल फ्रैक्शन करने पे जो कांस्टेंट का जो कोफिशियंट होगा उसको रेसिड्यू कहते हैं। तो फॉरन एग्जांपल के लिए मान लें कि कोई जेड एस इजकल टू है कोई फंक्शन, मान लें कि एस प्लस थ्री इंटू एस प्लस फोर, और न्यूमरेटर में कुछ है तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं वन बाई ए वाई एस प्लस थ्री प्लस बी वाई एस प्लस फोर। तो जब हम लोग ये करते हैं तो ये जो रेसिड्यू होता है आपका, ये आपको जो रेसिड्यू होगा वो ए और बी को ही रेसिड्यू कहते हैं, तो ये रियल और पॉजिटिव होते हैं। चौथा है द सिंगुलरिटी नियरेस्ट टू और एट द ओरिजिन इज ए पोल। कहने का मतलब है कि ओरिजिन के नज़दीक में जो सिंगुलरिटी होगी, सिंगुलरिटी कहने का मतलब है पोल और जीरो को कंबाइंडली रूप से एक साथ इसको सिंगुलरिटी कहा जाता है। तो ओरिजिन के नज़दीक जो होगा वो आपको पोल होगा, ओरिजिन के जो नज़दीक में होगा वो पोल होगा, पोल के बाद फिर आपको जीरो होना चाहिए, फिर आपको फिर पोल होना चाहिए, फिर जीरो होना चाहिए, फिर पोल होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। ये चौथा प्रॉपर्टीज है कि ओरिजिन के नज़दीक में पोल अगर होगा और ओरिजिन के नज़दीक में पोल होगा और सारे पोल जो है अल्टरनेट होने चाहिए तो आपको आरसी इम्पीडेंस फंक्शन या फिर आरएल एडमिटेंस फंक्शन का वो सर्किट बनेगा।
द सिंगुलरिटी नियरेस्ट टू और एट माइनस इन्फिनिटी इज ए जीरो, यानी कि जो माइनस इन्फिनिटी आपका यहाँ पे होता है तो माइनस इन्फिनिटी के नज़दीक आपको जो सिंगुलरिटी होगा वो आपको जीरो होना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी के नज़दीक में आपको जीरो होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी के नज़दीक में या एट मीन्स या माइनस इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे कोई जीरो होना चाहिए या माइनस इन्फिनिटी के नज़दीक में कोई जीरो होना चाहिए, जबकि ओरिजिन के नज़दीक में आपको पोल होना चाहिए या ओरिजिन पर भी पोल हो सकता है, और सारे पोल और जीरो अल्टरनेट होने चाहिए और इनका जो रेसिड्यू है वो पॉजिटिव होने चाहिए। साथ ही साथ जेड जीरो का वैल्यू जेड इन्फिनिटी के वैल्यू से ज़्यादा होता है। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं आपको आरसी इम्पीडेंस फंक्शन या फिर आरएल एडमिटेंस फंक्शन होने के। एन आरसी इम्पीडेंस यानी जेड आरसी कैन ऑल्सो बी रियलाइज्ड एज एन आरएल एडमिटेंस। आरसी इम्पीडेंस फंक्शन जो है उसको आरएल एडमिटेंस फंक्शन से भी उसको रियलाइज किया सकता है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ आरएल एडमिटेंस फंक्शन के सारे प्रॉपर्टीज सेम होते हैं जो आपको आरसी इम्पीडेंस फंक्शन के होते हैं। इस चीज़ को आप आगे समझेंगे। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 12 तक हम लोग पिछले दो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल 13 हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। एन इम्पीडेंस फंक्शन इज गिवन बाई जेड एस इजकल टू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 4 बाई एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 5। कोई इम्पीडेंस फंक्शन दिया हुआ है आपको। फाइंड द आरसी रिप्रेजेंटेशन। आरसी रिप्रेजेंटेशन यानी कि आरसी नेटवर्क आपको बनाना है यूजिंग फोस्टर 1 एंड फोस्टर 2 फॉर्म बनाना है इस नेटवर्क का, और कोवर 1 और कोवर 2 फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग फोस्टर 1 फॉर्म इसका बनाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि फोस्टर 1 और फोस्टर 2 ये दोनों फॉर्म बनाने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना होता है दिए गए इम्पीडेंस को। तो और अगर आप फोस्टर 1 बना रहे हैं तो जेड एस को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, और अगर फोस्टर टू बनाएंगे तो उसके लिए फिर बाई एस को पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में एक्सपेंड करेंगे। तो अभी हम फिलहाल फोस्टर 1 बना रहे हैं। पहले हम ये जांच लेते हैं कि यह दिया गया नेटवर्क जो है, नेटवर्क फंक्शन जो है, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन जो दिया हुआ है, ये क्या इसका आरसी नेटवर्क का जो प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। यहाँ से अगर आप देखें कि इस नेटवर्क में तीन पोल हैं, एक पोल है एस इजकल टू जीरो पे यानी ओरिजिन पे एक पोल है, दूसरा पोल है माइनस टू पे एक पोल है, और एक पोल है आपको माइनस फाइव पे। और इस नेटवर्क फंक्शन में दो जीरोज भी हैं, एस इजकल टू माइनस वन पे, एस इजकल टू माइनस फोर पे। एस इजकल टू माइनस वन पे आपको एक जीरो है, और एस इजकल टू माइनस चार पे, माइनस चार यहाँ पे आएगा दोनों के बीच में, माइनस चार पे। तो ये आपका पोल और जीरो का ये आपका कन्फिग्रेशन है। तो आप देखिए कि आरसी नेटवर्क होने के लिए आपको जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि ओरिजिन के नज़दीक में या ओरिजिन पर पोल होना चाहिए, ओरिजिन पर आपको पोल है, सारे पोल और जीरो अल्टरनेट होना चाहिए, इंटरलेस्ट होना चाहिए, पोल है जीरो है फिर पोल है जीरो है फिर पोल है। कोई भी नेटवर्क आपको कोई भी पोल या जीरो आपको राइट हैंड साइड में नहीं होने चाहिए या जे ओमेगा एक्सिस पे नहीं होने चाहिए, तो वो नहीं है। और इसका रेसिड्यू फिर हम लोग चेक करेंगे। और जो इसके नज़दीक जो है इन्फिनिटी के नज़दीक में आपको जीरो होना चाहिए। तो इन्फिनिटी के नज़दीक में या इन्फिनिटी पे जीरो होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन भी था कि कहने का मतलब है कि अगर लिमिट अगर लें हम लोग एस टेंड्स टू जीरो जेड एस तो इसका वैल्यू आपको इन्फिनिटी आना चाहिए, यह आपको ये भी आपको कंडीशन था। तो अगर आप इसमें देखें कि एस इजकल टू जीरो पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे कंडीशन जो है आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये आरसी नेटवर्क हो सकता है।
तो अब हम लोग इसका फोस्टर वन फॉर्म बनाते हैं। तो फोस्टर वन फॉर्म बनाने के लिए हम आपका जेड एस इक्वल टू जो दिया हुआ है इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में एक्सपेंड करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले जो न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट पावर है वो कम होना चाहिए डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर से। तो डिनोमिनेटर में आपको हाईएस्ट पावर 3 मिलेगा जबकि न्यूमरेटर में आपको 2 मिलेगा, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन इसका कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस टू प्लस सी बटा एस प्लस फाइव। इसको हमने इक्वेशन वन मान लिया। ए बी सी का वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर फिर पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए ए के नीचे में जो टर्म है डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई करते हैं उस दिए गए फंक्शन को, तो आपको एस से एस कट जाएगा और इसका वैल्यू निकालते हैं एट एस इजकल टू जीरो। जो पोल है एस इजकल टू जीरो का ये पोल है, तो एस इजकल टू जीरो पे इसका वैल्यू निकालेंगे। तो एस की जगह पे जीरो पुट करेंगे, यहाँ पर भी जीरो पुट करेंगे, चारों जगह जीरो पुट करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा दो से चार कट जाएगा तो हो जाएगा आपको दो बटा पाँच। ए का वैल्यू आपको मिल गया दो बटा पाँच। बी का वैल्यू निकालेंगे। बी का वैल्यू निकालने के लिए बी के डिनोमिनेटर में जो पॉलीनोमियल है एस प्लस टू, तो एस प्लस टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और तो आपको दिए गए फंक्शन को एस प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एस प्लस टू कैंसिल हो जाएगा। जो भी फंक्शन आपको बचा उसका वैल्यू हम लोग एस इजकल टू माइनस टू पे निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ एस है उसके जगह पे हम लोग माइनस टू पुट करेंगे, तो माइनस टू प्लस वन इंटू माइनस टू प्लस चार बटा माइनस दो इंटू माइनस टू प्लस फाइव। माइनस टू पुट करने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा, ये आपको माइनस वन बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा आपको दो और यहाँ पे आपको बचेगा माइनस दो और यहाँ पे आपको बचेगा थ्री, यानी ये आपको बचेगा वन बाई थ्री। तो ए और बी का वैल्यू आपको निकल गया, बी का वैल्यू आया वन बटा थ्री, दोनों पॉजिटिव ही आया है, और सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए सी के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे दिए गए फंक्शन को, तो ये टर्म आपको कैंसिल हो जाएगा और जो पॉलीनोमियल ये आपको फंक्शन है उसका वैल्यू एस इजकल टू माइनस फाइव पे हम लोग निकालेंगे। एस इजकल टू माइनस फाइव पे जो पोल है, तो जहाँ जहाँ एस है उसके जगह पे माइनस फाइव हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस फाइव पुट करेंगे तो माइनस फाइव प्लस वन और माइनस फाइव प्लस चार बटा माइनस फाइव और फिर यहाँ पर माइनस फाइव रखेंगे तो हो जाएगा माइनस फाइव प्लस टू। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा चार बटा पंद्रह। तो हमने तीनों कोफिशियंट का वैल्यू निकाल लिया, इन्हीं कोफिशियंट्स को रेसिड्यू कहते हैं, तो सारे रेसिड्यू जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अब इन तीनों का वैल्यू हम लोग उस इक्वेशन वन में रख देंगे तो हमें मिलेगा जेड एस इजकल टू ए का वैल्यू दो बटा पाँच रख दिए दो बटा पाँच एस, बी का वैल्यू एक बटा तीन रख दिए तो वन बटा थ्री और बटा एस प्लस टू, और सी का वैल्यू चार बटा पंद्रह रखे तो चार बटा पंद्रह बटा एस प्लस फाइव। ये हमको जेड एस का वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में मिला। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, दो बटा पाँच में से पाँच को डिनोमिनेटर में कर लिए और इसमें वन बटा थ्री में से थ्री को डिनोमिनेटर में कर लिए और ये चार बटा पंद्रह में से पंद्रह नीचे आ गया। और फिर हम लोग क्या किए कि जो न्यूमिनेटर में जो टर्म है उस टर्म से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में भाग लगाए, यानी हम मेरा पर्पस है कि न्यूमरेटर को एक रखना पर्पस है, न्यूमरेटर को एक रखना हमारा पर्पस है। न्यूमरेटर को एक करने के लिए हम न्यूमरेटर में दो से भाग लगाएंगे तो दो से डिनोमिनेटर में भी भाग लगाना पड़ेगा, तो आपको हो जाएगा इसको लिख सकते हैं दो बटा पाँच एस को हम लोग लिख सकते हैं वन बटा पाँच बटा दो एस, दो से भाग लगा दिया डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। न्यूमरेटर में भाग लगाएंगे तो एक हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो गया पाँच बटा दो एस। ये तो पहले से ही था, ये उतना ही था, थ्री एस प्लस सिक्स हो गया ये। इसमें चार से भाग लगाएंगे इसमें भी और चार से भाग लगाएंगे इसमें भी, तो ऊपर में वन बचेगा नीचे में हो जाएगा पंद्रह बटा चार एस प्लस पंद्रह पचास पचहत्तर बटा चार। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जेड एस इज कटो आपको इतना मिला है, ये आपको जेड एस है इम्पिडेंस है, तो आपको ये वाला टर्म भी इम्पिडेंस ही होगा, ये वाला टर्म भी इम्पिडेंस ही होगा और ये वाला टर्म भी इम्पिडेंस ही है, यानी कि क्योंकि इम्पिडेंस का सम ही इम्पिडेंस हो सकता है, इम्पिडेंस में एडमिटेंस जोड़ेंगे तो इम्पिडेंस नहीं मिलेगा, इसलिए ये अगर इम्पिडेंस है तो ये तीनों टर्म भी आपस में इम्पिडेंस ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जेड एस इज इक्वल टू इसको हम लोग इस टर्म को हम लोग कह सकते हैं जेड वन एस, इस टर्म को हम कह सकते हैं
Z2S और इस टर्म को हम लोग कह सकते हैं Z3S, यानी कि Zs इक्वल टू लिखा हुआ है Z1S प्लस Z2S प्लस Z3S। तो फोस्टर वन फॉर्म बनाने के लिए यही फॉर्म चाहिए होता है कि Zs को Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इसी फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस टर्म को हम लोग, इस पूरे टर्म को अगर हम लोग Z1S कह रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि Z और Y एक दूसरे का उल्टा होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा टर्म तो Z1S है लेकिन सिर्फ नीचे वाला टर्म आपका ये Y1S हो सकता है, ये सिर्फ नीचे वाला टर्म आपका ये Y1S हो सकता है, यानी कि सिर्फ नीचे वाला टर्म आपका Y1S हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये पूरा तो आपका इम्पीडेंस है Z2S है लेकिन सिर्फ नीचे वाला की बात करें तो उसका उल्टा हो गया वन बटा एडमिटेंस होता है तो इम्पीडेंस होता है, यानी नीचे वाला टर्म आपको एडमिटेंस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा तो Z2 है लेकिन ये नीचे वाला टर्म को हम Y2 कह सकते हैं एडमिटेंस। ठीक उसी प्रकार से ये आपका पूरा इम्पीडेंस है लेकिन सिर्फ नीचे वाले पार्ट को हम लोग एडमिटेंस कह सकते हैं, और इसको ये चूँकि तीसरा टर्म है इसलिए इसको Y3S इसको हम कह सकते हैं। तो उसी चीज़ को हमने लिखा है कि Zs इक्वल टू Z1S प्लस Z2S प्लस Z3S, इस फॉर्मेट में हम उसको लिख सकते हैं। और Zs इक्वल टू Z1S को Z1S ही रहने दिए, Z2S को हम 1/Y2S लिखे हैं और Z3S को 1/Y3S लिखे हैं, जो कि क्योंकि जेड जो है वो वाई का इन्वर्स होता है, तो इसलिए चूँकि जेड इजिकल टू 1/Y होता है या वाई इजिकल टू 1/Z होता है, जहाँ जेड इम्पिडेंस है और वाई एडमिटेंस है, तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको भी लिखा जा सकता था लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। जहाँ Z1S क्या है, अगर आप उस इक्वेशन को देखें तो आपको Z1S इजिकल टू मिलेगा 1/5/2S। देखिए 1/5/2S ये वाला जो है आपको, ये आपका Z1S है 1/5/2S, और Y2S क्या है, Y2S आपको 3S प्लस 6 आपको Y2S इसको हम कह रहे हैं, और इसको 15/4S प्लस 75/4 इसको हम लोग Y3S कह रहे हैं। तो इसी को हम यहाँ पे लिखे हैं कि Z1S इजिकल टू 1/5/2S। अब जो हमने सिंथेसिस शुरू करने के पहले जो एक बताया था इम्पोर्टेंट चीज़, कि अगर 1/CS लिखा हुआ है 1/CS, और यहाँ 1/CS अगर यहाँ पे इम्पीडेंस है और 1/CS मान इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि ये इम्पीडेंस है और ये 1/CS से आप इसको कंपेयर कीजिए 1/CS से, तो देखिए ये आपका C का वैल्यू ये आपका है, ये आपका C का वैल्यू है, क्योंकि और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जब यहाँ इम्पीडेंस होगा तो 1/CS ही हो सकता है, क्यों और दूसरा नहीं हो सकता है, तो इसलिए अगर हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि C का वैल्यू है 5/2, तो 5/2 फैराड, C का यूनिट फैराड होता है, और चूंकि ये फर्स्ट टर्म है इसलिए फर्स्ट एलिमेंट है इसलिए इसमें 1 लगाए हैं, यानी C1 का वैल्यू 5/2 फैराड। उसी प्रकार से Y2S का वैल्यू अगर हम पिछले स्लाइड में अगर आप देखे हों तो Y3S + 6 को ही हमने Y2S कहा था, 3S + 6 को जो डिनोमिनेटर में था। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि Y2S का दो वैल्यू होता है, एक होता है अगर कैपेसिटेंस है तो उस केस में आपका होता है CS, और अगर इम्पीडेंस है तो उस केस में होता है 1/LS। Y का दो वैल्यू होता है, 1Y का वैल्यू होता है CS और 1/LS। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर कीजिए तो इसको पहले देखिए इसको, तो ये आपका कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है, ये वाला वैल्यू मैच कर रहा है CS, क्योंकि ये S आपका न्यूमरेटर में है तो CS, यानी हम कह सकते हैं कि ये आपका 3 जो है ये C का वैल्यू है, C जो है आपका
तीन का वैल्यू है, और चूंकि ये दूसरा एलिमेंट है इसलिए इसमें टू लगाए हैं, सी टू इजकल टू तीन फैराड यूनिट लगाएंगे, तीन फैराड। और ये चूंकि एडमिटेंस है तो ये टर्म भी एडमिटेंस होगा और ये टर्म भी एडमिटेंस होगा, दोनों टर्म आपका एडमिटेंस ही होगा। तो एडमिटेंस आपका, एक और एडमिटेंस इसमें जुटा हुआ है वो है आपका छः, एडमिटेंस है छः, छः ओम। इसमें आपका एस नहीं है तो ये आपका रेजिस्टेंस का उल्टा है ये, तो अगर हम इसको रेजिस्टेंस के टर्म में लिखें तो 1/6 लिख सकते हैं। तो ये आपका 2/2 था, उसमें आपको दो टर्म थे, तो एक में से आपको कैपेसिटेंस निकला और दूसरे में से आपको रेजिस्टेंस निकला। रेजिस्टेंस का वैल्यू 1/6 ओम क्यों आया, क्योंकि ये आपका बाई है, एडमिटेंस है, तो ये वाला भी आपको एडमिटेंस ही हुआ। तो जबकि रेजिस्टेंस जो है वो एडमिटेंस का उल्टा होता है या कंडक्टेंस का उल्टा होता है, तो इसलिए जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा 1/6 ओम। और रेजिस्टेंस का यूनिट आपको ओम होता है और कैपेसिटर का यूनिट फैराड होता है। उसी प्रकार से आपका तीसरा टर्म जो है वो था आपका 15/4s प्लस 75/4। तो यहाँ भी आप देखें, ये चूँकि एडमिटेंस है तो एडमिटेंस का आपको दो फार्मूला होता है, एक सी एस होता है और एक 1/LS होता है एस के टर्म में। एस के टर्म में आपका दो गो होता है, सी एस और 1/LS। तो 1/LS तो यह है नहीं क्योंकि एस नीचे में नहीं है, तो बाई इज कल टू सी एस ही होगा। तो यानी कि आपको ये सी का वैल्यू है, बाई इज कल टू सी एस आप इसको कहेंगे, तो ये सी का वैल्यू आपको 15/4 फैराड है। तो यानी कि ये चूँकि ये 3 सफिक्स में है, थर्ड एलिमेंट है, इसलिए इसको हम C3 कहेंगे, C3 इजकल टू 15/4 फैराड। और ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है या कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो ये कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है तो आपका ये जो है कंडक्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा है ये। तो अगर हम रेजिस्टेंस इसमें से निकलना चाहें तो इसको उलट देंगे, तो 4/75 जो ओम है ये आपका रेजिस्टेंस हो गया थर्ड एलिमेंट। अब हम लोग सर्किट बनाएंगे, तो सर्किट में हमारा पहला एलिमेंट जो मिला वो आपको एक कैपेसिटर था, तो एक कैपेसिटर हमने लगाया कितना, 5/2 फैराड का, 5/2 फैराड का हमने एक कैपेसिटर लगाया। उसके बाद इसके सीरीज में क्या लगेगा, सीरीज में जो लगेगा उसमें दो एलिमेंट थे, सीरीज में जो एलिमेंट लगेंगे उसमें दो एलिमेंट थे, एक रेजिस्टेंस भी था और एक कैपेसिटेंस भी था। तो चूँकि ये दोनों एडमिटेंस के फॉर्म में कनेक्टेड थे, यानी कि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड थे, तभी तो पैरेलल में ही तो एडमिटेंस जुड़ता है ना, तो इसलिए इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। दोनों एलिमेंट एक साथ थे, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/6 ओम का है और कैपेसिटेंस जो है वो 3 फैराड का है। और ये ओवरऑल जो है इस टर्म के साथ, पहले वाले एलिमेंट के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने सो लिखा है, ओम लिखा है, इसलिए रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखा है। आप चाहें अगर आप इसको कंडक्टेंस के टर्म में लिखना चाहें तो सिर्फ 6 और कंडक्टेंस का यूनिट 9, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग रेजिस्टेंस के टर्म में ही लिखते हैं। उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट में भी दो टर्म है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। तो कैपेसिटर जो है उसका है 15/4 फैराड, 15/4 फैराड का कैपेसिटर, और 4/75 ओम का एक रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, लेकिन ओवरऑल ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है। पैरेलल में क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि ये बाई एस था, बाई थ्री था, तो बाई थ्री जो है वो दोनों एडमिटेंस रहेंगे, तभी एडमिटेंस में ही दोनों जुटते हैं, इसलिए ये आपका बाई थ्री में ये दोनों आपका एडमिटेंस था, इसलिए दोनों पैरेलल में कनेक्ट हुआ। और ये ओवरऑल सर्किट आपका ZS, आपका ये सर्किट आपका RC सर्किट है। देखिए इसमें जो भी आपको एलिमेंट है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, क्योंकि ये RC सर्किट था, क्योंकि इसका जो इस इम्पीडेंस का सारा प्रॉपर्टीज आपको RC इम्पीडेंस का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सारा प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए जो हमने इसका सिंथेसिस किया वो RC नेटवर्क निकला। और हम जानते हैं कि ये फोस्टर वन फॉर्म है, तो फोस्टर वन फॉर्म सीरीज में सारे एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपका पहला टर्म है जिसको Z1 कह रहे हैं, ये आपका दूसरा टर्म है जिसको Z2 कहेंगे, और ये आपका
तीसरा टर्म है जिसको जेड थ्री कहेंगे। अब हम लोग फोस्टर टू फॉर्म डिजाइन करेंगे। फोस्टर टू फॉर्म, तो फोस्टर टू फॉर्म जब भी आपको बनाना हो तो अगर आपको इम्पीडेंस दिया हुआ है तो उससे पहले आपको एडमिटेंस में कन्वर्ट करना होगा, उससे आपको एडमिटेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको जेड एस इजकल टू दिया हुआ था एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर बटा एस इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस फाइव, ये आपको इम्पीडेंस दिया हुआ था। तो अगर हम एडमिटेंस लिखेंगे तो हमको इसको रिवर्स करना होगा, डिनोमिनेटर वाले टर्म को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में, तो हमारा एडमिटेंस दिखाएगा। तो एडमिटेंस आपका हो गया एस इंटू एस प्लस टू, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में कर दिए और न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में कर दिए, तो एडमिटेंस ये आपका हो गया। और फोस्टर टू फॉर्म बनाने के लिए हमेशा एडमिटेंस फंक्शन से ही बनाएंगे, क्योंकि फोस्टर टू जो है वो पैरेलल नेटवर्क है। अब हम लोग इसमें जो एस है इसको हम लोग बटा में कर लेते हैं, बाई एस बटा एस हो गया बराबर एस प्लस टू इंटू एस प्लस फाइव बटा एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर। ऐसा हमने क्यों किया है, इसको बटा में एस कर लिए, क्योंकि अगर आप इसको बटा में नहीं करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं करेंगे, तो ये जो आपका जब आप इसका रेसिड्यू निकालेंगे ए बी का वैल्यू, तो वो आपको निगेटिव आ जाएगा, वो आपको निगेटिव आएगा। ये निगेटिव क्यों आएगा, इसको आप अगले लेक्चर में आप इसको समझ पाएंगे कि अगर हम इसको अलग नहीं करते हैं तो फिर ये निगेटिव क्यों आएगा, या अगले लेक्चर में आप समझेंगे। फिलहाल आप जानिए कि इसमें जो है फोस्टर टू में आपको ये एस को इधर न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कर दिए, और जो टर्म बचा उसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे एस नहीं होता, अगर सपोज दैट आपको एस नहीं होता तो ही हम यहाँ पे बटा में एस करते और यहाँ पे बदले में एस लगाते बैलेंस रखने के लिए। फिलहाल जो दिया गया नेटवर्क है उसके अनुसार हमने एस को हमने डिनोमिनेटर में कर लिया और जो नेटवर्क बचा, अब इस नेटवर्क को अगर आप देखिए तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए कि न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर का जो ऑर्डर है वो डिनोमिनेटर के हाईएस्ट ऑर्डर से कम होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये भी दो ऑर्डर का है, एस स्क्वायर हाईएस्ट पावर इसका दो है, न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट पावर दो है। तो जब तक हम लोग इसको न्यूमरेटर के पावर को कम नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर के पावर को डिनोमिनेटर के पावर से कम करेंगे। कम करने के लिए क्या करेंगे कि एक बार डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो पहले तो इसको हम पॉलिनोमियल के रूप में लिख लिए एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस टू एस, तो फाइव टू सेवन एस हो जाएगा प्लस टेन। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस चार एस और एक एस मिलकर हो जाएगा पाँच एस प्लस चार। अभी हम आप यहाँ पर आप देखिए कि दोनों जो पॉलिनोमियल हैं ये सेम ऑर्डर के हैं, तो हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक बार भाग लगाना होगा इसको डिनोमिनेटर से। रफ में आप भाग लगाएंगे एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस फोर, इससे भाग लगाएंगे एस स्क्वायर प्लस सेवन एस प्लस टेन में, तो आपको एक बार में लग जाएगा ये एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस फोर। इसको जब हम घटाएंगे तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपको बचेगा 2s प्लस 6, यानी कि हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस, और जो रिमाइंडर जो बचा है उसको न्यूमरेटर में और बटा जिससे भाग लगाए थे उससे उसको डिनोमिनेटर में, यानी कि इस फंक्शन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो फिर आपको यही टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है वो डिनोमिनेटर के हाईएस्ट ऑर्डर से कम हो गया है, अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। आपको ये हमेशा करना पड़ेगा, अगर न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर है वो अगर डिनोमिनेटर वाले से अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको डिवाइड करके उसको कम करना होगा। तो 1 प्लस रहने दिए और 2s प्लस 6 और ये जो डिनोमिनेटर में था इसको वापस हम फैक्टर के रूप में कर लिए,
वापस फैक्टर के रूप में एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर, क्योंकि हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सपेंड करना है इसलिए। फिर हमने इसको वन प्लस, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिखेंगे ए बटा एस प्लस वन प्लस बी बटा एस प्लस फोर, यानी कि हमने मान लिया है क्या, टू एस प्लस सिक्स बटा एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर को ए बटा एस प्लस वन प्लस बी बटा एस प्लस फोर ये लिख लिए हैं पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। अब हम यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन को, ये टर्म आपको कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग जो फंक्शन बचेगा उसका वैल्यू एस इक्वल टू माइनस वन पर निकालेंगे, क्योंकि इसका जो पोल था वो एस इक्वल टू माइनस वन पे है। तो एस इक्वल टू माइनस वन पे इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो टू इंटू एस के जगह पर माइनस वन यहाँ पर रखेंगे प्लस सिक्स, और बटा यहाँ पे भी माइनस वन प्लस फोर इज इक्वल टू हो जाएगा आपको फोर बाई थ्री आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से बी का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको एस प्लस फोर से जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे एस प्लस फोर से दिए गए फंक्शन को, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू एस प्लस सिक्स बटा एस प्लस वन, इसका वैल्यू निकालेंगे एस इजकल टू माइनस फोर पे, क्योंकि इसका पोल जो है वो माइनस फोर है। जब एस की जगह पर माइनस फोर पुट करेंगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सभी जगह पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दो बटा तीन आ जाएगा। ए और बी का वैल्यू आपको निकल गया, इस ए और बी के वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा बाई एस बटा एस बराबर वन प्लस, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे बी का वैल्यू जो लाए हैं, तो आपको हो गया बाई एस बटा एस इजकल टू वन प्लस, ये ए का वैल्यू हमने लाया था तो चार बटा तीन बटा एस प्लस वन, और ये हमने बी का वैल्यू लाया था दो बटा तीन बटा एस प्लस वन। अब हम लोग क्या करते हैं कि बटा में जो एस था उसको फिर वापस राइट हैंड साइड में कर देंगे, वापस राइट हैंड साइड में करेंगे तो हो जाएगा बाई एस इजकल टू एस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपको ये तीन बटा में चला आएगा तो फोर एस बटा थ्री इंटू एस प्लस वन, और फिर ये हो जाएगा आपको टू एस बटा थ्री इंटू एस प्लस फोर। जैसे पिछले बार किए थे, पिछले फर्स्ट वन के फॉर्म में जैसे किए थे वैसे ही यहाँ भी करेंगे, एस प्लस और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भाग लगाएंगे, इसको भी फोर एस से भाग लगाएंगे, इसको भी फोर एस से भाग लगाएंगे, ताकि ऊपर में वन आ जाए, ऊपर में न्यूमरेटर में वन लाना है हमें, तो ये आपको फोर एस से भाग लगाना पड़ेगा तो हो जाएगा वन बटा, और ये आपका है थ्री एस, तो थ्री एस में फोर एस से भाग लगाएंगे तो थ्री बटा फोर बचेगा, और ये आपका थ्री था इसमें फोर एस से भाग लगाएंगे तो थ्री बाई फोर एस हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से इसमें भी न्यूमरेटर में भी टू एस से भाग लगाएंगे और डिनोमिनेटर में भी टू एस से भाग लगाएंगे, तो आपको ऊपर में वन बचेगा और नीचे में कितना बचेगा थ्री बाई टू, और प्लस ये आपको चार या बारह बटा दो यानी छः बटा एस बचेगा। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं ये बाई एस जो है बाई एस इज इक्वल टू, तो ये एडमिटेंस है, तो ये भी एडमिटेंस है, ये भी एडमिटेंस है, और ये भी आपको एडमिटेंस है, तो बाई एस अगर हम इसको कह रहे हैं तो इसको कह सकते हैं बाई वन एस, इसको बाई टू एस, और इसको बाई थ्री एस, तो उसी को हमने लिखा है कि बाई एस इज इक्वल टू बाई वन एस प्लस बाई टू एस प्लस बाई थ्री एस। अब बाई वन एस को हमने वैसे ही छोड़ दिया, बाई टू एस में जो वन बटा है हम जानते हैं कि बाई इजकल टू वन बाई जेड होता है, यानी कि जो नीचे वाला टर्म है इसको हम जेड कह सकते हैं, नीचे वाला टर्म को जेड कह सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट है, इसलिए जेड टू एस इसको लिखती है वन बटा जेड टू एस, ठीक उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं वन बाई जेड थ्री एस। अब अगर आप इन दोनों को तुलना कीजिए तो पाएंगे आप कि बाई वन एस का वैल्यू है एस, बाई वन एस का वैल्यू आपको है एस, तो बाई वन एस का वैल्यू एस है, यानी बाई का आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि बाई का आपको दो फॉर्मूला हो सकता है कि यानी एडमिटेंस जो है वो आपको हो सकता है सी एस हो सकता है कैपेसिटेंस के टर्म में, और इंडक्टेंस के टर्म में आपका वन बटा एल एस हो सकता है, शुरू में हमने बताया था एडमिटेंस के लिए। तो अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि ये चूँकि इसमें एस, यहाँ देखिए एस न्यूमरेटर में है तो ये आपका यही वाला सेट कर रहा है, तो कंपेयर करने पे हम पाएंगे इसको हम वन इंटू एस लिख सकते हैं, और उस हिसाब से ये कैपेसिटेंस का वैल्यू हमारा हो गया वन फैराड। इससे कंपेयर करने पे इस वाले से कंपेयर अगर आप कीजिए बाई एस का टू सी एस होता है,
तो वहाँ से कंपेयर करने से आपको पता चलेगा कि C1 किस लिए, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 फैराड। तो यहाँ से हमारा पहला एलिमेंट निकल गया। दूसरा क्या निकलेगा, ये Z2S जो है, ये Z2S आपका 3/4 + 3/4S है, Z2S इज इक्वल टू 3/4 + 3/4S। तो ये Z2 जो है इसमें आपका दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो जो कांस्टेंट टर्म है, ये आपको रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो उसमें एस नहीं लगा हुआ होता है, वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। तो और चूंकि ये इम्पीडेंस है, तो रेजिस्टेंस भी एक इम्पीडेंस ही है, प्योर इम्पीडेंस है, तो ये आपका रेजिस्टेंस है। तो यानी कि हमारा चूंकि ये सेकेंड एलिमेंट है, इसलिए इसको हम R2 कह सकते हैं। R2 = 3/4 ओम। यहाँ पर हमने क्यों नहीं उल्टा किया, क्योंकि पिछली बार में फर्स्ट वन में यहाँ पे बाई था, एडमिटेंस था, और हमें रेजिस्टेंस निकालना था, तो उलटना पड़ा। यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस है, सॉरी ये इम्पीडेंस है, और ये भी आपका रेजिस्टेंस ही है, तो इसलिए ये आपका डायरेक्टली आपको 3/4 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया R2। उसके बाद इस टर्म को देखिए, इस टर्म को अगर आप देखिए कि Z2 = Z = 3/4S, तो Z = आपका दो फार्मूला होता है, Z = 1/CS होता है और Z = LS भी होता है। ये दो फार्मूला होता है स्टार्टिंग में हमने बताया। तो यहाँ से इन दोनों में से कंपेयर कीजिए कौन सा इसमें आपको सेट कर रहा है। S आपका डिनोमिनेटर में है, यानी ये वाला सेट कर रहा है Z = 1/CS, तो 1/CS, तो अगर आप इसको लिख सकते हैं 1/4/3S, ऐसा लिख सकते हैं इसको, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 1/CS के टर्म में अगर लिखें तो C का वैल्यू आपको 4/3 मिल गया, क्योंकि सेकंड एलिमेंट है, इसलिए इसको हम C2 लिखेंगे, C2 = 4/3 फैराड। ठीक है, अब हम लोग सर्किट डिजाइन करेंगे। तो सर्किट जो है वो जो हमारा बायस था, बायस लेकर हम चले थे, बायस का फंक्शन था, और इसमें जो सारे एलिमेंट हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपका Y1 बड़ा एलिमेंट है, ये Y1 है, ये Y2 है, ये आपका Y3 है। तो ये आपका 1 फैराड का आया था, इसमें एक ही एलिमेंट था, लेकिन ये वाला जो दूसरा ब्रांच जो था, जो Y2 था, ये आपका Y2 था, ये आपका Y1 था, और ये आपका Y3 था। तो इसमें आपका दो एलिमेंट थे इसमें, और दोनों सीरीज में थे, ऐड किया हुआ था, दोनों ऐड था प्लस से, और यहाँ पे जेड था, इसका मतलब है कि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसलिए एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस निकल कर आया था उसमें से, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। और उसी प्रकार से तीसरा एलिमेंट में भी एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस निकल कर आया था, जो कि सीरीज में कनेक्टेड था, उसमें भी दो एलिमेंट थे, दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे, और दोनों इम्पीडेंस थे, इसलिए दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए हैं। और ये वाला आपको जो टर्न है वो आपको, ये वाला एलिमेंट आपको Y3 मिला। अब इन तीनों Y1 + Y2 + Y3 आपको ये Y S मिल जाएगा। यही सर्किट हमें डिजाइन करना था, ये सर्किट आपका, इस सर्किट को हम Foster 2 फॉर्म सर्किट कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं Cover 1 फॉर्म। Cover 1 फॉर्म निकालने के लिए आपको दिया हुआ है Z S = दिया हुआ है S+1 × S+4 / S × S+2 × S+5। ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन था Z S = 2। तो हमने बताया था आपको कि अगर Cover 1 फॉर्म निकालना है, तो Cover 1 फॉर्म निकालने के लिए इसको पहले पॉलिनोमियल में इसको लिखना पड़ता है। इसको पॉलिनोमियल में लिख दिया हमने S² + 5S + 4, और यहाँ से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो S³ + 7S² + 10S। Cover 1 फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन यह है आपको करना कि जो भी पॉलिनोमियल हैं न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला पहले है और लोएस्ट ऑर्डर वाला सबसे लास्ट में, डिनोमिनेटर में भी उसी प्रकार से है। अब हम लोग क्या करेंगे कि Cover 1 फॉर्म निकालने के लिए डिनोमिनेटर से भाग लगाते हैं S³ + 7S² + 10S। भाग लगाएंगे S² + 5S + 4। भाग आपको यहीं पर लगाना है, रफ में नहीं लगाना है, यहीं पर लगाना है। तो अगर आप देखें तो इसको अगर आप कंपेयर करें, इसको आपको S² को कैंसिल करना है, तो आपको 1/S बार में लगाना पड़ेगा,
वन वोटा ए स्क्वायर में जब लगाएंगे तो आपको हो जाएगा ये एस स्क्वायर, और सात एस स्क्वायर को यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेवन एस, और ये आपको हो जाएगा दस बटा एस। इसको घटाएंगे जो रटर रूम कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपको माइनस टू एस, और ये आपको बचेगा चार माइनस, ये आपको सिर्फ माइनस छः बचेगा, बटन एस नहीं आएगा, माइनस टू माइनस छः बचेगा। अब हम देख क्या रहे हैं कि इसमें ये निगेटिव आ गया, अगर हम अगली बार इससे भाग लगाएंगे तो पक्का क्वेश्चन भी है जो कि निगेटिव ही आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रोसेस को यहीं पे एंड कर देंगे, आगे नहीं जाएंगे, निगेटिव आ गया ना इसलिए इसको आगे नहीं जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको उलट कर भाग लगाएंगे। अभी हम लोग डिनोमिनेटर से भाग लगा रहे थे, न्यूमरेटर में भाग लगा रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उलट देंगे और इसको जेड एस को बाई एस लिखेंगे। तो आपको बाई एस इक्वल टू हो गया एस क्यू प्लस सेवन एस स्क्वायर प्लस टेन एस बटा एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस फोर। अगर आपको ये माइनस नहीं आता, अगर ये माइनस नहीं आता तो हम इसको कंटिन्यू करते, लेकिन ये माइनस आने के कारण हमको इसको अब रिवर्स करना पड़ेगा, ये कंटिन्यू नहीं हो सकता है। तो जब रिवर्स करेंगे, इधर रिवर्स करेंगे तो इधर भी रिवर्स करेंगे तो इसको हम बाई एस लिखेंगे, बाई एस इजकल टू इसको रिवर्स करेंगे तो एस क्यू प्लस सेवन एस स्क्वायर प्लस टेन एस ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस फोर ये आपको डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपको ये बन गया। तो इसको हम भाग लगाएंगे, डिनोमिनेटर से भाग लगाएंगे तो एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस फोर, इससे भाग लगाएंगे एस क्यू प्लस सेवन एस स्क्वायर प्लस टेन एस, इसमें भाग लगाएंगे, आपको एस बार में लगेगा ये, तो आपको हो जाएगा एस क्यू प्लस फाइव एस स्क्वायर और प्लस फोर एस, ये आपको कट जाएगा और ये आपको हो जाएगा टू एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस, इससे फिर भाग लगाएंगे जिससे पहले भाग लगाए थे एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस फोर से, तो ये आपको लगेगा, ये आपको लगेगा वन बाई टू बार में, क्योंकि यहाँ भी एस स्क्वायर है यहाँ भी एस स्क्वायर है, तो वन बाई टू से भाग लगाएंगे तो ये दो से दो कट जाएगा, आपको एस स्क्वायर बचेगा। दूसरी बात की अगर आपको जानना है कि कितने बार में लगेगा, तो हमने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता रहे हैं कि जो आपको यहाँ पे लाना है उसको ऊपर में लिखिए, जो जो आप जितना आपको लाना है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप नीचे में लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए तो आपको कितना आया वन बाई टू, यानी ये वन बाई टू आर में लगेगा। तो आपको जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आपको हो जाएगा एस स्क्वायर और ये आपको हो जाएगा थ्री एस, दो से कट जाएगा थ्री एस बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा और ये आपको बच जाएगा पाँच में से तीन गया दो एस और प्लस चार। फिर हम इससे भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे टू एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस में, तो आपको अगर जानना है कि कितना वर्म लगेगा तो इसका जो पहला टर्म है टू एस स्क्वायर और इसका पहला टर्म टू एस, भाग लगाइए तो आपको टू एस वर्म लगेगा, ये आपको सॉरी टू एस वर्म नहीं सिर्फ एस वर्म लगेगा, सिर्फ एस वर्म लगेगा, तो आपको ये हो जाएगा टू एस स्क्वायर और प्लस फोर एस। फिर इसको घटाइएगा, ये टर्म आपको कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना टू एस बचेगा, टू एस से फिर भाग लगाएंगे इसमें जिससे पहले भाग लगाए थे टू एस प्लस फोर बार में, तो आपको ये आपको एक बार में लगेगा तो ये आपको हो जाएगा टू एस, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा चार, चार से फिर भाग लगाएंगे टू एस में, तो टू एस में भाग लगाएंगे तो आपको ये लगेगा टू टू एस बार में लगेगा, ये टू एस बार में लगेगा, टू एस बार में नहीं वन बाई टू एस बार में लगेगा, वन बाई टू एस तन दो से दो कट जाएगा तो आपको टू एस बचेगा, ये आपका टू एस ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपका ये कंटिन्यू फ्रैक्शन एक्सपेंशन जो है ये आपका पूरा हो गया। अब इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पे ये जो टर्म है आपको बाई एस था, एडमिटेंस था, जो हमने भाग लगाया वो एडमिटेंस था, तो जो पहला एलिमेंट आपको मिलेगा, जो ये पहला एलिमेंट जो आपको मिला क्वेशेंट जो भागफल जो है ये आपको इसको हम बाई वन एस कहेंगे, इसको हम बाई वन एस कहेंगे,
ध्यान दीजिए, अगर ये जेड एस होता तो इसको हम जेड एस कहते हैं, जेड वन एस कहते हैं, लेकिन ये चूँकि बाई एस है, ये पहला एलिमेंट बाई वन एस मिलेगा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट आपको ये जेड मिलेगा, दूसरा एलिमेंट है इसलिए दो लगाएंगे और ये जेड टू एस हो गया। फिर तीसरा एलिमेंट जो है अल्टरनेट मिलेगा, एक बाई मिलेगा, फिर एक जेड मिलेगा, फिर एक बाई मिलेगा, ये भी आपको बाई मिलेगा, ये आपको जेड मिलेगा, फिर ये आपको ये वाला जो है ये भी आपको बाई मिलेगा। अब बात रहा कि ये पहला एलिमेंट है इसलिए उसमें वन लगाए हैं, दूसरा एलिमेंट है इसमें दो लगाए हैं, ये तीसरा एलिमेंट है इसमें तीन लगाएंगे, ये चौथा एलिमेंट है इसमें चार लगाएंगे, और ये आपका पाँचवा एलिमेंट है इसमें पाँच लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बाई वन बाई वन जेड टू बाई थ्री जेड फोर पता चला। हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी जो मैं लिख रहा हूँ इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हैं फिर भाग देने के बाद कि बाई एस इजकल टू एस प्लस वन बटा अपना वंश लगाए हैं और ये वाला टर्म वन बाई टू, फिर प्लस वन बटा फिर अगला टर्म एस, फिर प्लस वन बटा अगला टर्म फिर वन है वन, प्लस वन बटा प्रत्येक आने वाला टर्म वन के बटा में जाएगा, प्रत्येक आने वाला टर्म जो है वो वन के बटा में जाएगा। तो वन के बाद आपका है एस बाई टू ऐसा लिखा जा सकता है इस टाइप से, बाई एस इजकल टू एस प्लस वन बटा इतना प्लस वन बटा इतना प्लस वन बटा इतना। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला है जो एडमिटेंस है, यानी कि ये है हो गया आपको बाई वन एस, ये हो गया एडमिटेंस, ये एडमिटेंस हो गया, फिर ये आपको एडमिटेंस हो जाएगा, फिर ये वाला जो है आपको वो इम्पीडेंस हो जाएगा, और फिर ये वाला जो टर्म है वन के बटा में ये आपको एडमिटेंस हो जाएगा। और ये पहला टर्म है तो इसमें वन लगाए हैं, ये दूसरा टर्म इसमें दो लगाएंगे, तीसरा टर्म इसमें तीन लगाएंगे, चौथा है चार लगाएंगे, पाँचवा है पाँच लगाएंगे। अब इसी को हम अलग अलग करके लिखेंगे कि फ्रॉम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन सी एफ ई से हम पाते हैं क्या कि बाई वन एस इजकल टू एस, बाई वन एस इजकल टू एस, फिर लिखेंगे जेड टू एस इजकल टू वन बाई टू, फिर लिखेंगे जेड थ्री एस इजकल टू एस, जेड फोर एस इजकल टू वन, और फिर बाई फाइव एस इजकल टू एस बाई टू, इस प्रकार से हम इसको लिख रहे हैं। तो देखिए कि फ्रॉम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन, इससे हमने क्या पाया कि बाई वन एस इजकल टू एस, अभी हमने बताया बाई वन एस इजकल टू एस। तो अब देखिए यहाँ से कि बाई का दो फॉर्मूला हमने बताया था एडमिटेंस का, बाई इजकल टू आपको जो है वो वन बाई एल एस होता है, और फिर या तो फिर सी एस होता है, जब दो फार्मूला होता है बाई का, हम स्टार्टिंग में बताए थे। तो इसमें से देखिए कि कौन सा आपको इसमें सेट कर रहा है, लेफ्ट साइड में तो बाई है, ठीक है, राइट हैंड साइड में जो एस है वो आपका न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में ये वाला सेट करेगा। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इसको से अगर कंपेयर कीजिए इसको, तो आप पाएंगे कि सी का वैल्यू आपको वन है, सी का वैल्यू वन है, पहला एलिमेंट है इसलिए इसको सी वन लिख रहे हैं, सी वन इजकल टू वन फैराड, आपको पहला एलिमेंट मिल गया सी वन इजकल टू वन फैराड। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा एलिमेंट जो था वो जेड था, दूसरा एलिमेंट जेड था और वो वन बाई टू था, वन बाई टू है, ये कॉन्स्टेंट है यानी कॉन्स्टेंट है यानी फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, तो वो रजिस्टेंस वाला टर्म है, रजिस्टेंस है। अगर यहाँ जेड है तब तो ये रजिस्टेंस है यानी कि ये आपका आर टू हो जाएगा, आर टू इजकल टू वन बाई टू ओम, आर टू इजकल टू वन बाई टू ओम, क्योंकि ये इम्पिडेंस है। अगर ये एडमिटेंस रहता आपको कॉन्स्टेंट रहता, अगर ये एडमिटेंस रहता, मान लीजिए सपोज दैट ये बाई टू एस इजकल टू वन बाई टू रहता, तो आर टू इजकल टू हम लोग इसको रिवर्स करके लिखते हैं, क्योंकि ये एडमिटेंस था, रजिस्टेंस लिखने के लिए रिवर्स करके लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये इम्पिडेंस है इसलिए हमको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तीसरा टर्म अगर आप देखिए कि बाई थ्री एस इजकल टू था एस, बाई थ्री एस इजकल टू एस था, तो ठीक इसी प्रकार से जैसे इसको देखे थे, तो यहाँ भी हमको कैपेसिटेंस ही निकलेगा, इसको सब कंपेयर कीजिए तो कैपेसिटेंस यानी ये थर्ड एलिमेंट है, तो सी थ्री इजकल टू वन फैराड। उसी प्रकार से चौथा एलिमेंट आप देखिए वन था, तो ये भी एक कॉन्स्टेंट है, और यहाँ इम्पिडेंस है, तो ये रजिस्टेंस हो गया,
और ये चौथा एलिमेंट है इसलिए आर फोर इज टू वन ओम, और पांचवा एलिमेंट जो है वो था आपको एस वाई टू था, एस वाई टू था, और यहाँ वाई है, यहाँ एस वाई टू है, एस न्यूमरेटर में है तो आप कंपेयर कीजिए, तो यह सी एस से इसको कंपेयर कीजिए, इसी से कंपेयर होगा तो आपको पता चलेगा कि सी का वैल्यू हो गया वन बाई टू, वन बाई टू फेराड, और ये चूंकि ये पांचवा एलिमेंट है तो इसलिए हम इसको पाँच फाइव यहाँ पर लिखेंगे सी फाइव, सी फाइव इजकल टू वन बाई टू फेराड। तो ये हमें सारा एलिमेंट में पता चल गया। अब हम सर्किट बनाएंगे कोवर वन फॉर्म का, तो कोवर वन फॉर्म में क्योंकि इधर बाईस था इसलिए बाईस इधर लिखे हैं, बाईस ही हम लेकर फ्रैक्शन अच्छी कंटिन्यू फ्रैक्शन एक्सपेंशन किए थे, और पहला एलिमेंट जो इसमें मिलेगा बाईस वाले में जो पहला एलिमेंट मिलेगा वो आपको पैरेलल में कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ ये एडमिटेंस है तो पहला एलिमेंट पैरेलल में कनेक्ट होगा, और वो पहला एलिमेंट है आपको कैपेसिटर है वन फेराड का, वन फेराड का कैपेसिटर हो गया। दूसरा एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट होगा जो कि रेजिस्टेंस है वन बटा टू ओम का, ठीक है। तीसरा एलिमेंट फिर पैरेलल में कनेक्ट होगा जो कि कैपेसिटर है एक फेराड का। चौथा एलिमेंट आपको रेजिस्टेंस होगा जो कि एक ओम का सीरीज में कनेक्ट होगा, और ये पांचवा एलिमेंट जो है वो कैपेसिटेंस होगा जो कि पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो ये आपका कोवर वन फॉर्म उस दिए गए ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन का बना। अब हम लोग कोवर टू फॉर्म बनाएंगे, कोवर टू फॉर्म, कोवर टू फॉर्म बनाने के लिए दिया गया आपको जेड एस इजकल टू इतना दिया हुआ था, जेड एस इजकल टू एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर बटा एस इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर आपको दिया हुआ था। कोवर वन बनाना हो या कोवर टू बनाना हो हमको पहले उसको पॉलिनोमियल के रूप में लिखना होता है, पॉलिनोमियल के रूप में लिख दिए। कोवर वन बनाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, यानी कि हाइएस्ट पावर को पहले रखते हैं और लोएस्ट पावर को सबसे लास्ट में रखते हैं। लेकिन कोवर टू अगर बनाना है, कोवर टू फॉर्म अगर बनाना है तो आपको हाइएस्ट ऑर्डर वाला टर्म सबसे लास्ट में जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एस का जो लोएस्ट पावर है वो पहले लिखाएगा, यानी कॉन्स्टेंट पहले लिखाएगा उसके बाद आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। तो उसका हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, फोर प्लस फाइव एस प्लस एस स्क्वायर, यहाँ हम लोग अरेंज कर दिए इसको टेन एस प्लस सेवन एस स्क्वायर प्लस एस क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको भाग लगाएंगे, डिनोमिनेटर से भाग लगाएंगे, टेन एस प्लस सेवन एस स्क्वायर प्लस एस क्यूब इसको से भाग लगाएंगे, फोर प्लस फाइव एस और प्लस एस स्क्वायर में। तो ये आपको कितना बार में लगेगा ये अगर आपको जानना है तो हमने बताया था कि जितना लाना है, ठीक है, उसको ऊपर में रखिए और जिससे भाग लगा रहे हैं उसके पहले टर्म को नीचे में रखिए और इसको भाग लगाइए तो आपको दो बटा पाँच एस बार में लगेगा, ये दो बटा फाइव एस, पहला टर्म को कैंसिल करना मेन आपका मकसद है तो आपको यहाँ पर चार आ जाएगा। उसके बाद जब सात एस स्क्वायर से भाग लगाइएगा इसको, सात एस स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा सात दुना चौदह, चौदह बटा पाँच, चौदह बटा पाँच एस, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा दो बटा पाँच एस स्क्वायर। जब आप इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा ये वाला पहला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिलेगा ग्यारह बटा पाँच एस, और ये आपको यहाँ पर मिलेगा पाँच, पाँच में से दो चला गया तो थ्री बटा फाइव एस स्क्वायर। अब जो रिमाइंडर आया इसको सब भाग लगाएंगे फिर, जिससे पहले जिसमें पहले भाग लगाया था टेन एस प्लस सेवन एस स्क्वायर प्लस एस क्यू इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए कितना बार में लगेगा। यहाँ आपको लाना कितना है, दस एस लाना है, दस दस एस आपको लाना है, और इसका पहला टर्म देखिए ग्यारह एस बटा पाँच है, पाँच को ऊपर कर लेते हैं तो एस से एस कट जाएगा, दस पचे पचास, पचास बटा ग्यारह, ये आपको पचास बटा ग्यारह बार में लगेगा, पचास बटा ग्यारह बार में जब लगाइएगा तो पहला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, पाँच दहें पचास, दस दिया तीस, तीस बटा ग्यारह एस स्क्वायर, तीस बटा ग्यारह एस स्क्वायर आपको, और इसको जब आप घटाएंगे तो घटाइए इसको, ये कट जाएगा
आपको बचेगा 11, 11 77, 77 में से 30 गया तो ये आपको बचेगा 47 बटा 11 एस स्क्वायर। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये प्लस में एस क्यूब ही था तो ये आपका एस क्यूब ही यहाँ पे आएगा। अब इससे भाग लगाएंगे इस टर्म में 11 बटा 5 एस प्लस 3 बटा 5 एस स्क्वायर में, इसमें जब हम भाग लगाएंगे। और आपको जानना है अगर कि कितना बार में ये भाग लगेगा तो आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको लाना है 11 एस बटा 5 आपको लाना है और भाग लगाना है उसमें। आप भाग लगा दीजिए इसका पहला टर्म से यानी कि 47 बटा 11 एस स्क्वायर से, तो इसको उलट करके अगर लिखिएगा तो हो जाएगा 11 बटा 47 एस स्क्वायर। इसको मैंने उलट करके ऊपर लिख दिया तो ये एस से ये एस कट जाएगा, 11 11 हैं, एक से 121 बटा 47 गुना 5 आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 47 गुना 5 7 बजे 35 के 5 बाकी 3 4 12 3 15 155 एस। यानी कि आपको ये लगेगा 121 बटा 155 एस। इतना बार में लगाइए तो आपको पहला टर्म आपको ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरा टर्म कितना आएगा, एस क्यू है यहाँ पे और इससे भाग लगाइएगा गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 121 बटा 155, क्योंकि इसमें एक है और एस से एस क्यू कट जाएगा तो आपको एस स्क्वायर बचेगा। इसको अगर आप घटाइएगा पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप घटाएंगे तो आपको आएगा, घटाने के बाद आपको आएगा 20 बटा 235 एस स्क्वायर। फिर इसको से भाग लगाएंगे जिसमें हम पहले जिससे पहले भाग लगाए थे, इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। ये हो जाएगा हमको भाग लगाना है 20 बटा 235 एस स्क्वायर, एस स्क्वायर ऊपर में है, 20 बटा 235 एस स्क्वायर इससे भाग लगाएंगे और भाग किसमें लगाएंगे, 47 बटा 11 एस स्क्वायर प्लस एस क्यू। ये वो वाला टर्म है जिससे कि पहले भाग लगाए थे, जस्ट पहले भाग लगाए थे। तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल भी कर सकते थे, 5 से कैंसिल हो जाएगा लेकिन हम नहीं कैंसिल कर रहे हैं। और अगर आपको लाना कितना है 47 बटा 11 एस स्क्वायर, इतना लाना है तो आप इससे भाग लगा दीजिए इसमें, इसको उलट के लिख दीजिए 235 बटा 20 एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेटर का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको 2209/44 आएगा। ये मैंने इसको कैंसिल करने के बाद काट छाट करने के बाद 2209/44 आएगा, तो आपको ये लगेगा 2209/44 बाद में, तो आपको ये 47 बटा 11 एस स्क्वायर ये आ जाएगा एक ही टर्म है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा आपको क्या, एस क्यू बचेगा, एस क्यू से फिर भाग लगाएंगे 20 बटा 235 एस स्क्वायर में जिससे जस्ट पहले भाग लगाए थे, तो ये आपको लगेगा 20 बटा 235, ये आपको 20 बटा 235 इंटू एस, इतना बार में लगेगा क्योंकि हमको यहाँ एस स्क्वायर चाहिए, यहाँ एस क्यू है तो 1/s बार में लगाएंगे तब यहाँ एस स्क्वायर आएगा। और हम इसको गुना कीजिए तो आपको 20 बटा 235 एस स्क्वायर आ जाएगा और ये आपको पूरा पूरा कैंसिल हो गया। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही लीजिए तो इसको आपको हो गया 4/47, यानी इसकी जगह पे आप 4/47 एस लिख सकते हैं। तो आपको ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन आपको कंप्लीट हुआ। स्टार्ट किए थे हम लोग जेड एस से, तो जेड एस इजकल टू लिखेंगे, जो पहला जो भागफल आया था, जो पहला भागफल था वो था आपका 2/5 एस प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए ये भाग लगाना जब हमने शुरू किया था तो क्योंकि ये जेड एस है तो पहला जो यहाँ पे आपको ये पहला जो आपको मिल रहा है ये आपको क्योंकि यहाँ जेड एस है तो ये आपको ये भी आपको इम्पीडेंस मिलेगा, क्योंकि ये आप इम्पीडेंस था ये, तो ये पहला एलिमेंट इम्पीडेंस मिलेगा
दूसरा एलिमेंट आपको एडमिटेंस मिलेगा, तीसरा एलिमेंट फिर आपको ये इम्पीडेंस मिलेगा ZS, उसके बाद फिर चौथा देखते हैं, फिर यहाँ तक Z तक आ गया। और ये पहला एलिमेंट है तो इसको हम Z1 लिखेंगे, ये दूसरा एलिमेंट है Y2 लिखेंगे, तीसरा एलिमेंट है इसमें 3 लगा देंगे, और उसी प्रकार से जो चौथा एलिमेंट जो होगा आपको ये आपको हो जाएगा Y, तीसरा Z था तो ये Y हो जाएगा, और ये वाला फिर आपको हो जाएगा ZS हो जाएगा, और ये चौथा एलिमेंट है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। तो अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो ZS प्लस 1/1 जो दूसरा टर्म जो था ये आपको हो गया 50/11 था, प्लस फिर 1/ ये तीसरा टर्म यहाँ पे जो था वो था आपको 121/235 S, फिर प्लस 1/ चौथा टर्म जो था आपको ये था आपको 2209/44, और फिर प्लस 1/1 ये पाँचवा टर्म जो है ये हो गया आपको 4/47 S। तो इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो आपका पहला टर्म जो है ये आपका Z1 S है, पहला टर्म आपका Z है, इम्पीडेंस है ये आपका YS है, फिर ये आपका Z है, फिर ये आपका Y है, फिर ये जो टर्म है आपको फिर Z है, ये पहला है, ये दूसरा है, दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, और ये आपका पांचवा एलिमेंट है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि Z1S इज इक्वल टू 2/5S, फिर Y2S इज इक्वल टू 50/11 लिखेंगे, Z3S इज इक्वल टू इतना लिखेंगे, Y4S इज इक्वल टू 22/944 लिखेंगे, और Z5S 4/47S लिखेंगे। तो आपको हो जाएगा फ्रॉम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन, यहाँ से हमने क्या पाया कि Z1S इज इक्वल टू 2/5S, 2/5S Z1S इज इक्वल टू निकला। तो Z का हम दो फॉर्मूला जानते हैं, Z इज इक्वल टू एक तो होता है 1/CS, और एक Z इज इक्वल टू होता है LS, यही दो चीज़ हम जानते हैं, और अगर कांस्टेंट है तो वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तीसरा अगर कांस्टेंट है तो R हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो Z1S इज इक्वल टू 2/5S है, तो यहाँ इसमें S आपका डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में तो इस ये वाला टर्म में है, तो इस टर्म में है, तो आपको अगर इस टर्म से आप इसको कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि 1/CS, इसको भी 1/ के रूप में लिखेगा तो 2 नीचे में आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा C1 इज इक्वल टू 5/2 फेराड, इसको 2/5S जो है इसको आप लिखिए 1/5/2S। तो इससे कंपेयर कीजिए 1/CS, तो C का वैल्यू 5/2 आ गया, तो C1 का वैल्यू हो गया 5/2 फेराड, 1 है पहला एलिमेंट है इसलिए C1 लिखे हैं। दूसरा टर्म था आपका YS था, YS इज इक्वल टू 50/11 था, तो Y का हम लोग 3 फार्मूला जानते हैं, एक तो आपका है कि Y इज इक्वल टू होता है CS होता है, Y इज इक्वल टू होता है 1/LS होता है, और Y इज इक्वल टू 1/R भी कह सकते हैं, ये 3 फार्मूला। तो अगर आप इसमें से देखिए कि किस में ये सेट कर रहा है, तो ये कांस्टेंट है, इसमें ये S से इंडिपेंडेंट है, तो ये तीसरा वाला है आपका 1/R, तो यहाँ से अगर हम R का वैल्यू निकालेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा 11/50, क्योंकि ये 1/R है, यानी R2 का वैल्यू आपको हो गया 11/50 ओम। उसके बाद आपको हो गया नेक्स्ट है Z3, Z3 इज इक्वल टू था 121/235 S, तो ठीक उसी प्रकार से Z वाला देखिए, तो इसमें जो आपको है 1/ यहाँ S नीचे में है, तो नीचे में आपका S ये इससे कंपेयर करेंगे 1/CS से, तो C का वैल्यू हो जाएगा 235/121, इतना फेराड, यूनिट फेराड हो गया। उसी प्रकार से चौथा एलिमेंट आपको है 2209/44, तो बाईस कर ये कॉन्स्टेंट है तो 1/R हो जाएगा, ये 1/R है तो R का वैल्यू हो जाएगा इसका रिवर्स 44/2209, इसका यूनिट हो जाएगा ओम।
और पांचवा एलिमेंट जो है वो 47 वोटा 4s, तो ये भी आपको 1 वोटा cs से कंपेयर करेंगे, 1 वोटा cs से कंपेयर करेंगे तो C5 का वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगा 4 वोटा 47 फेराड। अब इसी को हम लोग नेटवर्क बनाएंगे, तो पहला एलिमेंट आपको जो है वो कैपेसिटर मिला था, और चूंकि यहाँ जेड लिख रहे हैं तो पहला एलिमेंट आपको सीरीज में होगा, तो ये आपको हो गया 5/2 फेराड का कैपेसिटर हो गया। दूसरा एलिमेंट आपको रेजिस्टेंस है, दूसरा एलिमेंट रेजिस्टेंस है 11/50 ओम का। तीसरा एलिमेंट आपको 235/121 का है, ये भी कैपेसिटर है। और चौथा है आपको रेजिस्टेंस है 44/209 का। और पाँचवा एलिमेंट जो है वो आपको 4/47 फेराड का आपको एक कैपेसिटर है। तो ये आपका नेटवर्क आपका बना दिए गए ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस का। एक और एग्जांपल है, दिया हुआ है आपको ZS इज इक्वल टू S+4 × S+6 / S+3 × S+5। इसका कोवर वन फॉर्म और कोवर टू फॉर्म, ये दोनों फॉर्म बनाना है। तो पहले हम कोवर वन फॉर्म बनाते हैं। कोवर वन फॉर्म बनाने के लिए जो दिया हुआ है फंक्शन उसको लिखे हैं ZS = S+4 × S+6 / S+3 × S+5। अब हम लोग जानते हैं कि कोवर वन बनाना हो या कोवर टू बनाना हो, दिए गए ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस को पॉलिनोमियल के टर्म में हमको लिखना होगा। तो इसको एक्सपेंड किए पॉलिनोमियल के रूप में लिखें तो हो जाएगा आपको S² + 6S + 4S (10S + 24), और यहाँ से हो जाएगा S² + 8S + 5 / 15। तो कोवर वन फॉर्म अगर बनाना है तो पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, हाईएस्ट पावर को पहले लिखना है, लोएस्ट ऑर्डर को लोएस्ट पावर को सबसे लास्ट में लिखना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमने अरेंज कर लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि भाग लगाना है, भाग लगाएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, S² + 8S + 15 / S² + 10S + 24। भाग लगाइए, एक बार में आपको भाग लगेगा तो हो जाएगा S² + 8S + 15। घटाएंगे तो आपको बचेगा, ये बचेगा 2S + यहाँ बचेगा 9, 2S + 9। अब इससे भाग लगाएंगे जिसमें पहले भाग, जिससे पहले भाग लगाए थे S² + 8S + 15, तो ये आपको लगेगा S/2 में, तो ये आपको हो जाएगा S² + 9S/2। इसको घटाएंगे तो आपको बचेगा 8 × 16 में से 9 गया 7S/2 बचेगा, और प्लस 15 बचेगा। फिर अब इससे भाग लगाएंगे जिसमें जिससे पहले भाग लगाए थे, यानी कि 2S + 9 में इसमें फिर भाग लगाएंगे तो ये आपको लगेगा कितना बार में, 4/7 बार में लगेगा ये, तो आपको 7 से 7 कट जाएगा तो 2S यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 15 × 4 = 60/7 हो जाएगा। ये घटाएंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 3/7 बचेगा। 3/7 से जब भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे 7S/2 और प्लस 15, तो इसको हम ऊपर में कर रहे हैं कि 3/7 से भाग लगा रहे हैं 7S/2 और प्लस 15 में, तो आपको ये लगेगा 49/6S² में, तो आपको हो जाएगा 7S/2 मिल जाएगा, और फिर घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 15 से भाग लगाना है 3/7 में, तो ये आपको लगेगा कितना बार में, 1/35 में। जैसे बताए हैं तरीका वैसे ही कीजिए तो 1/35 में लगेगा, तो आपको यहाँ पर 3/7 होगा, और ये टर्म फिर आपको घटाने पर कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ZS = हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि चूंकि ये आपका ZS था इसलिए पहला टर्म जो है वो आपको जेड आएगा, यानी इम्पीडेंस आएगा। दूसरा टर्म जो आपको आएगा वो आपको एडमिटेंस आएगा। तीसरा टर्म जो आएगा वो फिर इम्पीडेंस आएगा। चौथा टर्म जो आएगा ये फिर आपको
एडमिटेंस होगा और पांचवा टर्म आपको ये फिर इम्पीडेंस होगा। तो ये पहला टर्म है, इसमें वन लगाएंगे सब, फिर इसमें दो लगाएंगे, तीसरा टर्म में तीन लगाएंगे, चौथा टर्म में चार लगाएंगे और पांचवा टर्म में पांच लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस टाइप से लिखेंगे कि वन प्लस वन बटा नेक्स्ट टर्म को वन बटा करके लिखना है, तो वन बटा एस वाई टू प्लस फिर वन बटा अगला टर्म 4/7 प्लस फिर वन बटा अगला टर्म 49s/6 प्लस फिर 1/ अगला टर्म 1/35। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आपका z1s है, ये आपका y2s है, ये आपका z3s है, ये वाला आपका y4s है और ये आपका z5s है। एक जेड और फिर दूसरा वाई, फिर जेड, फिर वाई, फिर जेड और नाम 1 2 3 4 5 इस टाइप से। अब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे कि z1s = 1 है, y2s = s/2 है और z3s = 4/7 है। इसको सबको अलग अलग करके लिखेंगे। तो जब अलग अलग करके लिखेंगे तो आपको हो जाएगा z1s = 1 था, तो अब जेड का तो तीन फार्मूला होता है, 1/CS भी होता है और LS भी होता है और z = R भी होता है। ये आपको तीन फार्मूला यूज होगा इसमें। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कांस्टेंट है तो आपको ये वाला यूज होगा, यानी कि आपका रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस हो गया यानी कि ये R का वैल्यू है 1 ओम और चूँकि ये पहला टर्म है इसलिए R1। दूसरा था y2 = s/2, तो बाई का आपको तीन फार्मूला होता है, CS इसका उल्टा, 1/LS इसका उल्टा और फिर 1/R, ये तीन आपको बाई का होता है। तो बाई वाला आप देखिए यहाँ s/2 है, तो s आपका न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में आपको ये वाला टर्म मिल रहा है न्यूमरेटर में, तो इससे अगर आप कंपेयर कीजिए इन दोनों को तो पाइएगा कि C का वैल्यू 1/2 हो गया, तो C का वैल्यू आपको 1/2 हो गया। दूसरा एलिमेंट है इसलिए C2 लिखे हैं। उसी प्रकार से z3 = 4/7 है, तो ये भी आपको रेजिस्टेंस है, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए रेजिस्टेंस है, तो ये आपको 4/7 ओम का हो गया। y4 = आपको था 49s/6, तो इसको कंपेयर कीजिए तो सी से कंपेयर कीजिएगा तो सी का वैल्यू हो जाएगा 49/6 फैराड और z5s = हो जाएगा 1/35, तो ये आपका r5 = हो गया, ये कांस्टेंट है तो 1/35 कांस्टेंट है, तो 1/35 इससे कंपेयर करेंगे। जब हम इसको अब अरेंज करेंगे, चूँकि कोर फॉर्म है, कोर फॉर्म में एक एलिमेंट सीरीज में दूसरा पैरेलल में फिर सीरीज में उसका पैरेलल में इस टाइप से होता है, तो चूँकि यहाँ पर इम्पीडेंस था, फंक्शन हमारा इम्पीडेंस था जिसको कंटिन्यू प्रोडक्शन एक्सपेंशन किए थे, तो इसलिए पहला टर्म आपका सीरीज में आएगा, तो पहला टर्म सीरीज में आएगा तो आपको पहला टर्म रेजिस्टेंस है 1 ओम, दूसरा टर्म आपका कैपेसिटेंस है 1/2 फैराड का, तीसरा आपका जो है वो रेजिस्टेंस है 4/7 ओम का, चौथा 49/6 ओम का कैपेसिटेंस है और पाँचवा 1/35 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये आपका सर्किट बना। दूसरा है आपका कोर टू फॉर्म आपको बनाना था, तो कोर टू फॉर्म बनाना था, दिया गया आपको सर्किट यही था, जो इम्पीडेंस फंक्शन जो दिया हुआ था उसको हमने सोल्व कर लिया है, फैक्टर के रूप में था उसको हमने पॉलिनोमियल के रूप में कन्वर्ट कर लिया। और कोर टू फॉर्म बनाने के लिए हमने बताया था कि जो पॉलिनोमियल है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लोएस्ट पावर को पहले, हाईएस्ट पावर को लास्ट में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, दोनों को हमने कर लिया, अरेंज कर लिया, कॉन्स्टेंट को पहले लिख लिया 10s को उसके बाद और उसके बाद फिर s2, उसी प्रकार से इसको भी अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से भाग लगाएंगे न्यूमरेटर में, 15 + 8s + s2, इससे भाग लगाएंगे 24 + 10s + s2 में, तो आपको पहला टर्म कैंसिल करना है सिर्फ, तो 24/15 बार में लगाइएगा तो कट जाएगा, 24 जितना लाना है और जिससे, और इधर का पहला है 15, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो 8/5 बार में इसको लगा लेते हैं,
तो आपका 24 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपको 64 64/5 एस, और फिर प्लस हो जाएगा 8/5 एस स्क्वायर। इसको आप घटाएंगे तो आपको माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 50 50 में से 64 जाएगा तो आपको -14/5 एस, और ये भी माइनस आएगा आपको हो जाएगा, ये आपको प्लस में आएगा 3/5 एस स्क्वायर। तो चूंकि ये निगेटिव आ गया, निगेटिव आना ही नहीं है, इसको नहीं आना चाहिए निगेटिव, निगेटिव आ गया तो इस हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, और चूंकि सी एफ ई ऑफ जेड एस, जेड एस का जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन है वो निगेटिव क्वेश्चेंट आ गया, निगेटिव भागफल निगेटिव ही आएगा अगला बार लगाएंगे तो हम लोग को क्या करना है उस केस में, इसको रिवर्स करके भाग लगाना है, यानी कि इस पॉलिनोमियल को रिवर्स कर देना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में कर देना है, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में कर देना है, और ये जेड एस एल बाई एस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको बाई एस इक्वल टू हो गया, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में कर दिए और न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में कर दिए। अब हम इसको भाग लगाएंगे, 24 + 10s + s² से भाग लगाएंगे, और 15 + 8s + s² में, तो जब भाग लगाएंगे तो आपको हो जाएगा 24 + 10s + s² से भाग लगाना है हमें, 15 + 8s + s² में इसमें भाग लगाना है। तो जब हम भाग लगाएंगे इसको तो आपको हमें लाना है कितना, 15 लाना है, और इसका पहला कितना है 24 से भाग लगाइए तो आपको 5/8 बार में लगेगा, ये 5/8 बार में, तो 5/8 बार में लगाएंगे तो आपको 15 आ जाएगा, और ये 10 से ये हो जाएगा 10 × 50 50/8, तो 50/8 तो आपको हो जाएगा 25/4 कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे आपको ये हो जाएगा 5/8 एस स्क्वायर। इसको घटाएंगे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 8 × 32 32 में से 25 गया, 25 7 7/4 एस, ये भी आपको यहाँ पे एस आएगा, तो 7/4 एस, और ये इसको जब हम घटाएंगे तो ये आपको आएगा, ये आपको आएगा, ये घटेगा 1 - 5/8 तो आपको आएगा प्लस में 3/8 एस स्क्वायर। अब हम इससे भाग लगाएंगे जिसमें से पहले भाग लगाए थे, 24 + 10s + s² में, तो इसमें भाग लगाएंगे तो आपको आपको लाना है 24 लाना है, और ये आपको पहला टर्म जो है आपका 7s/4 है, तो 7s/4 4 को ऊपर कर लेते हैं, 96/7s बार में लगाइए तो आपको पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको हो जाएगा 36/7s हो जाएगा, जब इसको घटाइए, घटाने के बाद आपको ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको 34/7s प्लस ये वाला एस स्क्वायर यहाँ पे उतरेगा, और फिर इससे हम भाग लगाएंगे जिससे पहले भाग लगाए थे, 7/4s + 3/8 एस स्क्वायर, और फिर उसी प्रकार से आप देखिए आपको लाना है 7/4s लाना है, और इसका पहला टर्म जो है वो है आपको 34s/7, तो इसको 7/34s कर दीजिए, एस एस कट जाएगा तो 49, तो 49/136 बार में लगेगा ये, तो यहाँ पे आपको 7/4 एस आ जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपको 49/136 एस स्क्वायर। इसको घटाइएगा तो ये टर्म आपको कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा घटा करके बचेगा आपको 1/68 एस स्क्वायर बचेगा। इससे फिर भाग लगाएंगे जिससे पहले भाग लगाए थे, 34/7s + s², जब भाग लगाएंगे तो ये आपको लगेगा, आपको लाना है 34/7s, और तो 34/7s आपको लाना है
34 बटा 7 लाना है और इधर है आपका एस स्क्वायर बटा 68, तो इसको आप 68 बटा एस स्क्वायर कर लीजिए। इसको सॉल्व करके जितना आएगा उतना ही बार में लगेगा, तो आपको आएगा 23 बारह बटा 7s। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 34 बटा 7s आ जाएगा, और फिर घटाइएगा तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको क्या, वो हम इधर लिख रहे हैं कि एस स्क्वायर सिर्फ बचेगा, ये बोला एस स्क्वायर बचेगा, एस स्क्वायर से फिर भाग लगाएंगे 1 बटा 68 एस स्क्वायर में, तो आपको 1 बटा 68 बार में लगेगा, तो 1 बटा 68 एस स्क्वायर ये आपको कैंसिल हो गया पूरा पूरा। ये आपको अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका जो था वो फंक्शन आपका बाई एस था, तो ये वाला टर्म आपको बाई एस मिलेगा, दूसरा टर्म आपको जेड एस मिलेगा, तीसरा टर्म आपको फिर से बाई एस मिलेगा, चौथा टर्म फिर से आपको जेड एस मिलेगा, और पांचवा टर्म फिर से आपको बाई एस मिलेगा। तो इसी को हम अरेंज करके इस टाइप से लिख सकते हैं कि बाई एस इजकल टू, ये पहला टर्म आपको हो गया 5 बटा 8 प्लस 1 बटा 1 बटा ये वाला टर्म लिखेंगे, दूसरा वाला 96 बटा 7s प्लस 1 बटा तीसरा टर्म लिखेंगे, 49 बटा 136 प्लस 1 बटा चौथा टर्म लिखेंगे, यहाँ पर चौथा टर्म लिखेंगे, फिर प्लस 1 बटा पाँचवा टर्म लिखेंगे। और फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये आपका जो है ये आपका बाई एस हो गया, ये वाला आपको जेड एस हो जाएगा, फिर ये वाला आपको बाई एस हो जाएगा, इसी प्रकार से कंटिन्यू होगा। तो ये पहला एलिमेंट है तो बाई 1, ये दूसरा एलिमेंट है 2, इसमें 3, और इस प्रकार से कंटिन्यू करेंगे और लिखेंगे फिर हम आगे कि बाई 1 s = 5/8, z2 s = 96/7s, बाई 3 s = 49/36। तो इसको हम लिखेंगे अब, तो फ्रॉम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन से हम क्या पाते हैं कि बाई 1 s = 5/8। तो हम लोग y = 3 चीज़ जानते हैं, y s = होता है cs, = होता है 1/ls और = होता है 1/r। तो इससे अगर आप कंपेयर कीजिए तो आपको y = 1/r कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले से कंपेयर कीजिए तो 1/r का वैल्यू ये है, यानी कि r का वैल्यू इसका रिवर्स हो जाएगा 8/5। उसी प्रकार से z2 है, z2 के केस में आपको z2 = 96/7s है, तो यहाँ जेड है, जेड का भी आपको 3 होता है, 1/cs और ls और r, जेड का 3 वैल्यू होता है। तो उस केस में अगर आप कंपेयर करें तो 1/cs s डिनोमिनेटर में है, तो s डिनोमिनेटर में तो आपको s डिनोमिनेटर तो इसमें है, तो 1/cs से इसको कंपेयर कीजिए, 1/cs से, तो c का वैल्यू हो जाएगा 7/96 फैराड। उसी प्रकार से फिर y3 = हो जाएगा 49/136, तो ये आपको 1/r का वैल्यू है, तो 1/r का वैल्यू है, तो r का वैल्यू आपको हो गया 136/49, थर्ड एलिमेंट है इसलिए 3। चौथा एलिमेंट आपको हो गया 23/12/7s था, तो इसको कंपेयर कीजिए 1/cs से, तो आपको c का वैल्यू हो जाएगा 7/23/12, ये भी थर्ड में हो जाएगा, c का वैल्यू है, और z5 = कॉन्स्टेंट था 68, तो आपको हो जाएगा ये आपको, ये चूँकि जेड है तो ये आपको जेड वाले में आपको ये 8 से कंपेयर हो जाएगा, तो सिर्फ 68 हो जाएगा। और एक्चुअली में ये लास्ट में ये 2 क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि हमने लास्ट में क्या किया है कि प्लस 1 बटा, यहाँ पे 1/68 आया था, तो इसको अगर हम इसको वाई लिखेंगे तो यहाँ पे 1/68 लिखते, लेकिन इसको हमने रिवर्स करके सिर्फ 68 लिख दिया, तो जेड बन गया ये, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप y = 1/68 भी इसको लिख सकते थे, यानी आप इसको y5s = 1/68 भी लिख सकते थे, तो बात सेम है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो बाई एस था फंक्शन आपका बाई एस था, तो पहला एलिमेंट आपका रेजिस्टेंस मिला 8/5 ओम का, दूसरा एलिमेंट कैपेसिटेंस है 7/96 फैराड का, तीसरा 136/49 ओम का रेजिस्टेंस है, चौथा एलिमेंट आपको 7/23/12 फैराड का कैपेसिटेंस है, और पाँचवा 68 ओम का रेजिस्टेंस है। यही आपका सर्किट बना। नेक्स्ट एग्जांपल है
इफ जेड एस इजकल टू एस प्लस फोर इंटू एस प्लस सिक्स बटा एस प्लस थ्री इंटू एस प्लस फाइव तो फाइंड फर्स्टर वन एंड फर्स्टर टू फॉर्म। तो ये वही नेटवर्क है जो हमने एग्जाम्पल 14 में डिस्कस किया है, लेकिन उसमें हमने कोवर वन एंड कोवर टू बनाया है, इसमें हम फर्स्टर वन एंड फर्स्टर टू फॉर्म बनाना है। तो पहले हम फर्स्टर वन फॉर्म बनाते हैं, और फर्स्टर वन फॉर्म आप जानते हैं कि फर्स्टर वन फॉर्म जो है वो जेड एस को पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखते हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें अगर हम इसको अगर देखें तो न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है हाईएस्ट ऑर्डर और डिनोमिनेटर का दोनों का सेम है, जबकि पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए कम होना चाहिए, न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल का ऑर्डर कम होना चाहिए, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल के रूप में लिख के पहले इसको डिवाइड कर लिए। डिवाइड करेंगे एस स्क्वायर प्लस आठ एस प्लस पंद्रह से भाग लगाएंगे एस स्क्वायर प्लस टेन एस प्लस चौबीस में, तो आपको मिलेगा वन प्लस वन, आपको भागफल आएगा, ये आपका शेष में शेष बचेगा, तो वन प्लस टू एस बटा एस स्क्वायर प्लस आठ एस प्लस पंद्रह लिख सकते हैं इसको। तो वन प्लस, अब ये आपका देखिए न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल कम हो गया, डिनोमिनेटर के ऑर्डर से न्यूमरेटर वाला कम हो गया, अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, तो वन प्लस ए बटा एस प्लस थ्री प्लस बी बटा एस प्लस फाइव के रूप में लिखेंगे ए बी सी का। और हमने मान लिया क्या कि इसका वैल्यू जो है हमने इतना माना है, इसको इस रूप में लिखा है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि टू एस प्लस नाइन बटा एस प्लस थ्री इंटू एस प्लस फाइव इजकल टू ए बटा एस प्लस थ्री प्लस बी बटा एस प्लस फाइव। ए का वैल्यू निकालेंगे एस प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और दिए गए फंक्शन को, और ये आपको कट जाएगा, और यहाँ पे हम आपको एस का वैल्यू निकलेगा माइनस थ्री पे, जब एस का जगह पर माइनस थ्री पुट करेंगे तो टू इंटू माइनस थ्री प्लस नाइन, नीचे में माइनस थ्री प्लस पाँच, तो आपको थ्री बाई टू आ जाएगा। बी का वैल्यू निकालना है, बी के जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये वाला टर्म आपको कैंसिल हो जाएगा, ये निकलेगा एस इजकल टू माइनस पाँच पे, एस इजकल टू माइनस पाँच पे, यहाँ पे एस का जगह पर माइनस पाँच रखिएगा तो माइनस पाँच प्लस नौ बटा हो जाएगा माइनस पाँच प्लस तीन, इसको सॉल्व कीजिएगा वन बटा टू आ जाएगा, दोनों वैल्यू आपको निकल गया। इसके बाद अब ए और बी का वैल्यू को हम लोग उस इक्वेशन में इक्वेशन वन में रखेंगे, तो आपको हो जाएगा जेड एस इजकल टू वन प्लस तीन बटा दो, और नीचे में एस प्लस थ्री था, और ये बी का वैल्यू है वन बटा दो बटा एस प्लस फाइव। तो आप इसको आगे क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में भी तीन बटा दो से भाग लगा दिए और डिनोमिनेटर में भी तीन बटा दो से भाग लगा दिए, ठीक है, न्यूमरेटर में वन लाने के लिए, तो न्यूमरेटर में वन आ जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, ये तीन बटा दो से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा टू बटा थ्री एस, टू एस बटा थ्री हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा टू सिर्फ हो जाएगा, तीन में तीन बटा दो से भाग लगाएंगे तो दो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक बटा दो से न्यूमरेटर में भी भाग लगा दिए और डिनोमिनेटर में भी भाग लगा दिए तो हो जाएगा आपका टू एस प्लस टेन, ऐसा हमने क्यों किया, इसको न्यूमरेटर में वन लाने के लिए। अब हम कह सकते हैं कि जेड एस इजकल टू, इसको हम जेड वन एस कह सकते हैं, इसको जेड टू एस कह सकते हैं, और इसको जेड थ्री एस कह सकते हैं। तो जेड एस इजकल टू जेड वन एस प्लस जेड टू एस प्लस जेड थ्री एस, और हम जानते हैं कि जेड इजकल टू होता है वन बटा बाई भी होता है, जेड इजकल टू वन बटा बाई होता है, तो ये वन बटा जो है इसको हम बाई कह सकते हैं, बटा में जो है इसको हम बाई कह सकते हैं, यानी कि हम इसको जेड एस इजकल टू, इसको तो सही रहने दिए, जेड टू एस को वन बटा बाई टू एस लिख दिए, और जेड थ्री को भी वन बटा बाई थ्री एस लिख दिए। अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए तो देखिए कि जेड वन एस इजकल टू हो जाएगा आपको वन, जेड वन एस इजकल टू वन है, तो जेड वन जेड इजकल टू वन है तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जेड इजकल टू होता है वन बटा सी एस एल एस और फिर रेजिस्टेंस, ये तीन फॉर्मूला है, तो आपको जेड का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है तो आपको जेड इजकल टू आर हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया वन ओम। उसी प्रकार से बाई टू इजकल टू आपको हो गया बाई टू इजकल टू, यहाँ टू टू एस बटा थ्री प्लस टू, इसमें दो टर्म है, दो टर्म है तो दोनों आपका एडमिटेंस है, ये एडमिटेंस है तो ये भी एडमिटेंस होगा, ये भी एडमिटेंस होगा, तो एडमिटेंस का भी आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एडमिटेंस इजकल टू होता है सी एस वन बाई एल एस और वन बाई आर, ये तीन फार्मूला। तो अगर आप कंपेयर कीजिए तो एस न्यूमरेटर में है, एस न्यूमरेटर में है तो आपका सी एस, तो ये आपका सी का वैल्यू हो गया, कह सकते हैं कि सी टू का वैल्यू दो बटा तीन फेराड हो गया, और ये कांस्टेंट है तो ये आपका वन ओटा आर का वैल्यू है, वन ओटा आर का वैल्यू है, इसलिए आर का वैल्यू वन ओटा दो ओम हो गया। ठीक उसी प्रकार से तीसरा जो टर्म है बाई थ्री एस इजकल टू टू एस प्लस टेन, टू एस प्लस फाइव नहीं है, ये टू एस प्लस टेन है,
2s + 10 है, तो यहाँ से अगर आप देखिए कंपेयर कीजिए वाई वाले टर्म से, फिर सी एस से कंपेयर होगा क्योंकि न्यूमरेटर में एस है, यहाँ भी न्यूमरेटर में एस है, तो सी का वैल्यू आपको 2 फैराड मिल गया और यहाँ पे आपको y3 = 10 हो गया, y3 = 10, तो 10 जो है वो 1/r का वैल्यू है, तो r का वैल्यू हो जाएगा 1/10 ओम। तो इस प्रकार से आपको पहला टर्म आपको एक रेजिस्टेंस मिला था जो कि Z1 था, Z1 आपको ये है, ये आपको Z2 था जिसमें कि 2 टर्म थे, एडमिटेंस में 2 टर्म थे, तो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किए, एक 1/2 ओम का रेजिस्टेंस था, एक 2/3 फैराड का कैपेसिटेंस था, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो इसलिए दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, और फिर ये ओवरऑल जो है सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक उसी प्रकार से तीसरे एलिमेंट में 1/10 ओम का एक रेजिस्टेंस है और 2 फैराड का एक कैपेसिटेंस है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड था और फिर ये ओवरऑल फिर सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये आपका Foster 1 फॉर्म निकला। Foster 2 फॉर्म अब निकालेंगे। Foster 2 फॉर्म निकालने के लिए Z2 इतना आपको दिया हुआ था, तो Foster 2 फॉर्म निकालने के लिए आपको इसको YS में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको क्योंकि Foster 2 जो है ये एक पैरेलल सर्किट है, तो इसको YS में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो Y S = हो गया आपको S+3 × S+5 / S+4 × S+6, और हमने बताया था आपको कि इसका अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपको निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव क्यों आएगा ये अपने लेक्चर में आप समझ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि Y S / S लगा लेते हैं इधर S, और बैलेंस करने के लिए हमने इधर भी S कर दिया राइट साइड में भी। अब Y/S का वैल्यू हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। न्यूमरेटर का पॉलीनोमियल कम है डिनोमिनेटर से, ऑर्डर इसका कम है, तो इसको हम इजीली हम कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं Y S / S = A/S + B/S+4 + C/S+6। S का वैल्यू आपको निकालना है, S का वैल्यू निकालने के लिए आपको जो डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये टर्म आपको कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू निकलेगा आपको S = 0 पे निकलेगा। S = 0 पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व करिएगा, 5/8 आएगा। फिर उसी प्रकार से बी का वैल्यू निकालना है, S + 4 है, S + 4 से आप गुना कीजिएगा दिए गए फंक्शन को, ये टर्म आपको कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपको निकलेगा S = -4 पे, जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ -4 पुट करेंगे सॉल्व करेंगे 1/8 आ जाएगा। सी का वैल्यू निकालना है, S + 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आपको कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आपको निकलेगा S = -6 पे, एस की जगह पर -6 पुट करेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो आपको 1/4 आ जाएगा। ए बी और सी तीनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको हो जाएगा Y S / S = ए का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, और इसके बाद फिर हम अब इस एस को इस साइड में हम करेंगे राइट साइड में, तो ये आपका एस कैंसिल हो जाएगा, इसमें एस आ जाएगा। और फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में 1 लाने के लिए हम इसको S / S से भाग लगाएंगे, इस तो इसको भी हम S / S से भाग लगा देंगे और इसको हम S / 4 से भाग लगाएंगे और इसको भी S / 4 से भाग लगाएंगे ताकि न्यूमरेटर हमारा 1 आ जाए। तो वही हम कर रहे हैं इसमें Y S = 5/8 प्लस, जब इसमें भाग लगाएंगे तो आपको बचेगा 8 + 32/S, और प्लस इसमें जब भाग लगा देंगे तो 1/4 + 24/S बचेगा। अब हम कह सकते हैं कि Y S = ये Y1S है और इसको हम Y2S कह सकते हैं, इसको हम Y3S कह सकते हैं। तो Y S = Y1S + Y2S + Y3S, तो लेकिन हम इसको 1/ जो है इसको हम जेड कह सकते हैं 1/ क्योंकि Y = 1/z होता है, तो इसको हम कह सकते हैं Y S = Y1S² रहने दिए और इसको हम कर दिए 1/z3S और इसको कर दिए 1/z3S। तो इसलिए आपको हो जाएगा अभी इसको और इसको अगर आप कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि Y1 = हो गया 5/8, Y1 = 5/8 हो गया। और आप जानते हैं Y का 3 फार्मूला होता है, Y = CS, Y = 1/LS और Y = 1/R। तो इसमें से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा Y S = कॉन्स्टेंट है, तो ये वाला 1/R और R का वैल्यू आपको हो जाएगा 8/5 ओम।
ठीक उसी प्रकार से जेड टू इजकल टू हो गया आपको 8 प्लस 32 बाई एस। तो इसमें दो टर्म है, एक कांस्टेंट है तो जेड टू इजकल टू कांस्टेंट है, तो जेड इजकल टू आप जानते हैं 1/ सी एस और एल एस और आर। तो यहाँ पे जेड इजकल टू आपको कांस्टेंट है तो आपको जेड इजकल टू आर हो गया, यानी ये आर का वैल्यू है, आर इजकल टू 8 ओम हो गया। और इसको देखिए तो ये आपका 1/ सी एस से इसको कंपेयर कीजिए, 1/ सी एस तो सी का वैल्यू आपको हो जाएगा यहाँ से 1/32f। और उसी प्रकार से जेड थ्री एस है, जेड थ्री एस आपको हो जाएगा 4+24/s, तो ये आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपको आर के बराबर हो जाएगा, तो आर थ्री इजकल टू हो गया 4 ओम। और ये आपका बटा में एस है तो बटा में एस आप इससे कंपेयर करेंगे 1/ सी एस से, तो सी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/24 फैराड। अब इन सारे वैल्यू को हम नेटवर्क में इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा बाई एस इजकल टू, पहला एलिमेंट आपको मिला था कैपेसिटेंस 8/5 ओम का, और दूसरा एलिमेंट आपको इसमें दो सीरीज में कनेक्टेड है 8 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस और 1/32 फैराड का कैपेसिटेंस। ठीक उसी प्रकार से तीसरा एलिमेंट जो है उसमें आपको दो एलिमेंट है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और 1/24 फैराड का कैपेसिटेंस है, दोनों सीरीज में होंगे क्योंकि ये इम्पीडेंस के फॉर्म में थे। तो ये आपका नेटवर्क आपका बना फर्स्टर टू फॉर्म। तो इस लेक्चर में यहीं तक रहेगा, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।